أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ऑनलाइन uh, सिस्टर्स आप लोग अपने माइक ऑन करके मुझे सलाम का जवाब दे सकते हैं मैं आप मेरी आवाज आ रही है। so अब आप सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है जब तक मैं आपसे खुद ना कहूँ ठीक है उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आज एक और मुबारक के दिन आप सब लोग एक और क्लास के लिए यहाँ मौजूद हैं कुरान को समझने के लिए तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से और इसका सेशन टू पहला सेशन आप लोग पिछले जुमे को अटेंड कर चुके हैं जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं और इसमें दूसरे सेशन में भी हम दो लेसन कम्प्लीट करेंगे लास्ट फ्राइडे को लास्ट जुमे को हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और लेसन वन कम्प्लीट किया था आज इंशाल्लाह हम सेशन टू में लेसन टू और फिर टी ब्रेक के बाद लेसन थ्री को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इनशाला हमारे साथ यहाँ फिजिकल क्लास में बहुत सारी सिस्टर्स मौजूद हैं बहुत सारी सिस्टर्स अभी तशरीफ़ लाएंगी और कुछ सिस्टर्स ने एक्सक्यूज किया था आज आई नो कि स्कूल में uh, सेशन कम्प्लीट हो रहा है बहुत से स्कूल में इवेंट्स थे तो इस वजह से उन्होंने माजरत की आज ऑफ uh, लिया उन्होंने एनी वेज आप लोग यकीनन मुझे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे और एनीवेज uh, वेज़ जितने लोग आए हुए हैं उन सबको अलफला की तरफ से खुश आमदीद अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करें मैं कोशिश करूंगी कि आज के लेसन को बहुत ही प्रिसाइजली और ज़रूरी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करूँ विद इन टाइम और पाँच बजे के बाद आप लोगों को ज़्यादा वक्त यहाँ पर ना देना पड़े से पहले हम यहाँ से फ्री हो जाएँ तो आज हम जो हिस्सा कुरान का समझने जा रहे हैं उसके पहले हिस्से में तार्फ़ में हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी अगर हम उसके बारे में बात करें पीपल कैन सी जी अगर हम री की बात करें आ, लास्ट वीक हमने तारुफ पढ़ा था हमने जाना था कि ये कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं इसकी अहमियत क्या है इसको हमें क्यों करना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए और आ, आ, किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे उसके साथ हमने सबक नंबर एक के दोनों हिस्से मुकम्मल किए थे चैप्टर वन का जो ए पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था आप सब बताइए तावुज पढ़ा था क्या प्रोनाउंसिएशन है तावुज दैट्स राइट और तावुज का लफ्जी तर्जमा हमने देखा था उसका बा मुहावरा यानी रनिंग ट्रांसलेशन उसके साथ हमने सबक क्या हमें मिलता है डायरेक्टली हमारी जिंदगियों के लिए हमने उसको समझने की कोशिश की थी सबक हमने पढ़ने के साथ हमें एक बात पता चली थी कामयाब इंसान की पहली आदत जो तावुज में छुपी हुई है हमने उसको जाना था तसव्वुर और एहसास के साथ हमने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने के तरीके को सीखा था उसके बाद हम आए थे ग्रामर के पोर्शन पर वहां हमने क्या सीखा था कोई बताएगा यहाँ से हैंड रेस करके जी ग्रामर में क्या सीखा था आपके सामने है जी आप बता, आप बताइए बताइए ओके माशाल्लाह आता है सबको टेबल राइट तो फिजिकल क्लास के लोग जो हैं वो मुझे जरा टेबल प्रैक्टिस करके दिखाएं आपके सामने नहीं है मैं देखती हूँ आपको याद है या नहीं याद है लाउड आवाज में इंशाल्लाह दैट्स राइट ऑनलाइन क्लास में हमारी uh, कोई भी सिस्टर सबसे पहले माइक ऑन करके टेबल सुना दे मुझे जल्दी से ऑनलाइन सिस्टर्स इसका मतलब है ऑनलाइन सिस्टर्स को याद नहीं है टेबल अभी हम उनको और टाइम देते हैं इंशाल्लाह ठीक है फिर हम उनसे कांटेक्ट करते हैं ओके okay, तो आपको बताया गया था कि ये जो छह अल्फाज हमने सीखे हैं ये कुरान में बारहा आए हैं रिपीटेडली कितनी बार आए थे एक हजार दो सौ तकरीबन मतलब इतने दफा आने वाले अल्फाज को हमने लास्ट जुमे को सीखा था ठीक है कितने लोग हैं जिन्होंने घर जाके उनको कहीं ढूंढने की कोशिश की थी कुरान में ट्राई किया किसी ने घर जाके नहीं किया माशाला। माशाला, that's good, that's good. मैं नेक्स्ट एक्टिविटीज आप लोगों को दूंगी वैसे खुद आपको चाहिए पर आई I मीन mean, हर फ्राइडे uh, को एटलीस्ट जब आप घर जाएं क्योंकि पाँच मिनट की तिलावत की बात तो हमने ऑलरेडी की हुई है तो आप जब भी जाएं सेशन के बाद उन अल्फाज को कुरान के एटलीस्ट किसी एक सफ़े में ढूंढने की कोशिश करें अस्सलाम वालेकुम हमारे नए लोग हमें ज्वाइन करें क्लास में माशाल्लाह प्लीज आप लोग आइए और एनी वेज नुकतः तालीम की बात भी हुई थी आगे बढ़ते हैं हम और uh, हमने डिस्कस uh, किया था कि कुरान को समझना आसान है अल्लाह ताला ने तुरतल कमर में एक दफा नहीं दो दफा नहीं तीन दफा नहीं बल्कि चार बार फरमाया है वर्न जिक्र और यकीनन हमने आसान किया है कुरान को जिक्र के लिए यानी समझने के लिए और याद करने के लिए तो इसका मतलब है अगर हम ये कहेंगे कि यह मुश्किल है मीन हम अल्लाह की फरमाई हुई बात का इनकार कर रहे हैं तो अल्लाह की बात का यकीन बहुत ज़रूरी है ठीक है तो एनी आगे बढ़ते हैं और हमने कुरान के कोर्स के मकासद पढ़े थे ये जो कोर्स वन है बहुत सारे लोगों ने बुक्स आपने से ले ली हैं और रिसीव कर ली हैं कुछ लोग ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं एक चीज़ यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है वो ये कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर उनको वो फिजिकल हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ने में स्क्रीन पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मसला नहीं है लेकिन उन्हें वर्क बुक के नंबर्स हासिल करने के लिए उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि वो पहले वर्क बुक की फोटो रिसीव करके और उन पेजेस पर उसको सॉल्व करें और अगस्त में जब सब लोग अपनी आ, वर्क बुक सबमिट कराएंगे वो उसकी पिक्चर्स बनाकर पीडीएफ फाइल में सबमिट करवा सकते हैं ठीक है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले की बुक्स मौजूद हैं लेकिन वर्क बुक उन्हें इस कोर्स के लिए फिर सॉल्व करनी होगी वो सिर्फ वर्क बुक भी यहाँ से रिसीव कर सकते हैं बाकी सारा तरीका मैं आपको क्लास में ऑलरेडी ग्रुप में बता चुकी हूँ कोर्स के छह मकासद हैं आप प्लीज मुझे पहला मकसद बताइए फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स जी सब बताए ऊंची आवाज में मकसद नंबर दो मकसद नंबर तीन मकसद नंबर चार नंबर पांच नंबर छ माशाला तो ये छह मकसद हमारे में होने चाहिए जिनके लिए हम यहाँ आ रहे हैं ठीक है इनशाला सब साथ साथ हर नई क्लास के साथ इंप्रूव होने चाहिए अगर इम्प्रूव नहीं हो रहे तो अपने आप से पूछें कि इसकी रीजन क्या है मुझसे भी डिस्कस करें ठीक है एनी आज के सबक की बात करते हैं हम आज हम फातिहा की पहली तीन आयात को समझेंगे इनशाला और ग्रामर से भी कुछ खास सीखेंगे नुकतः तालीम की बात होगी और आगे बढ़ते हैं फातिहा के बारे में सब जानते हैं क्या जानते हैं आप फातिहा के बारे में जी आप बताएं ठीक है फातिहा के बारे में आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं बताइए जी ओके कोई और ओपनिंग कुरान शुरू हो रहा है फातिहा से ओपनिंग हो रही है मीनिंग भी इसका यही है राइट और आप कुछ कह रही है पहली सूरत है माशाला तो आ, सिस्टर नसरीन आप अपना माइक ऑन करके बताइए नसरीन जमील सिस्टर नसरीन माइक ऑन करने में जल्दी कीजिए प्लीज कुरान की सूरत जो है सूरत पहली है और ये उमुल कुत्तब के नाम से मशहूर है यानी कि इसमें बहुत सी सूरत इसके बहुत से नाम हैं है उमुल शिफा यानी सूरत फातह की बहुत ज्यादा फजीलत है और इसके बहुत से नाम भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सिस्टर थैंक यू सो मच आ, बहुत शुक्रिया आपने क्लास को ज्वाइन किया है ऑनलाइन स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जब वो हैंड रेस करें तो बहुत तेजी के साथ माइक को ऑन ऑफ करना है उन्हें ठीक है ताकि हम अपने वक्त को बचाएं बहुत शुक्रिया सिस्टर अल्लाह आपको जजाय फरमाए तो हम आगे बढ़ते हैं तहवुज जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था और सुरतल फातिहा जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो जो अल्फाज हम सीखेंगे वो कुरान में कितनी बार आए हैं नाइन थाउजेंड नौ हजार बार आए हैं अल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है कुरान के नौ हजार अल्फाज हमें आ जाएंगे ठीक है जिस तरह से आप ये देख रहे हैं मतलब कुरान का कोई भी हिस्सा आप खोलेंगे इस तरीके से आप डिफरेंट वर्ड पिक कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ठीक है हाईलाइट किए हुए हैं अल्हमदुल्ला तो आइए यहाँ पर हम तिलावत सुनते हैं आप ध्यान से सुनेंगे और दूसरी बात जब मैं इसको प्ले करूंगी तो आप लोग साथ साथ रिसाइट करेंगे फिजिकल स्टूडेंट्स और जो ऑनलाइन है वो माइक ऑन के बगैर रिसाइट करेंगे सॉरी

तो माशा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चार अल्फाज आप इस वक्त सामने देख रहे हैं पहला लफ्ज है बिस्मी जिसका मानी है नाम से अल्लाही, अल्लाह के अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है अर्रहीम रहम करने वाला है आइए इनको समझते हैं जी सबसे पहले आप देख रहे हैं बिस्मी जाहिरी तौर पर हमें ये एक लफ्ज नजर आता है लेकिन अरबी की ये खूबी है कि बहुत से एक लफ्ज नजर आने वाले लफ्जों में भी बहुत सारे लफ्ज छुपे होते हैं तो ये बिस्मी को जब हम समझते हैं ग्रामेटिकली तो ये दो हिस्सों में तब, अलग हो सकता है ठीक है ब्रेक करके समझ सकते हैं टुकड़े अलग करके बी एक मुकम्मल मानी दे रहा है जिसका मानी है से और भी मानी होते हैं हम आगे समझेंगे इस हम इसको उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं राइट नाम के लिए और अरबीन में नाम के लिए इस्तेमाल होता है तो बिस्मी से मुराद है नाम से बहुत सिंपल इसी तरह आप देख रहे हैं इसमन या इसम हम इसको पढ़ते हैं इसकी जमा क्या लिखी है असमा उन अगर मैं आपसे इसम कहूं तो आप कहेंगे असमा अगर मैं आपसे कहूँ इसम तो आप जमा क्या कहेंगे राइट इट्स वेरी इजी और हमें ये पहले से पता है क्यों क्यों पता है पहले से क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स के नाम होते हैं असमा हमारे पास यहाँ सिस्टर आसमा मौजूद है और अल्लाह तला के खूबसूरत नाम अलअस्मा उल हसना ठीक है हसीन नाम खूबसूरत बेहतरीन नाम उनके लिए ये लफ्स हम बारहा इस्तेमाल करते हैं ठीक है आगे आई आगे बढ़ते हैं ये सब देख लीजिए ये जो थर्टी नाइन यहाँ पर नजर आ रहा है इससे मुराद है कि ये लफ्ज़ लफ्सा मजीद में इतनी बार रिपीट हुआ है तकरीबन तो ये हमारी हमें मोटिवेट करता है कि हम इतने अल्फाज सीख रहे हैं ठीक है इनको याद करना बिल्कुल कतन जरूरी नहीं है अर्रहान से मुराद है जो बहुत मेहरबान क्या मुराद है इससे बेटे यूसुफ मैं चाहूंगी आप सामने बैठे जहां मुझे सामने नजर आ रहे हो आई जस्ट वॉन्ट के सब स्टूडेंट सामने हो मैं बिल्कुल आपको विजिबल नहीं हूँ इस साथ वाली शेयर पर आ जाए आप बेटे और मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी सीटिंग ऐसी रखें सब थैंक यू सो मच अर रहमान से मुराद है जो बहुत मेहरबान है ठीक है अब ये आपको एक आ, आसानी दी जा रही है पहचान दी जा रही है कि इस वजन पर आने वाले जो लफ्ज होते हैं ना इस अंदाज में जैसे गदान आप देख रहे हैं गरबान रहमान ठीक है उनमें शिद्दत पाई जाती है इंटेंसिटी यानी कोई चीज़ बहुत ज्यादा है आजकल इंटेंसिटी किस चीज़ की है गर्मी की हम लोग देखते हैं ना अल्लाह तो ये अल्लाह ताली का सिफाती नाम है ये तो सबको पता है जैसे गदबान का मानी है शदीद गुस्से में तो इससे साबित हुआ कि रहमान का मानी है शदीद रहम करने वाला ठीक है तो इसी तरह जो आप देख रहे हैं पुरजोश रहम कर रहम करने वाला या रहमत वाला इंटेंसली मर्सीफुल ठीक है और अर रहीम से मुराद क्या है अर रहीम से मुराद भी रहम करने वाला है अब आप देख रहे हैं मेहरबान और रहम करने वाला बात तो एक ही होती है समझ समझिए मेरी बात अब आप कह रहे हैं रहमान से मुरादे मेहरबान रहीम से मुरादे करने वाला तो बात तो एक ही है रहम करने वाले को ही मेहरबान कहा जाता है तो यहां पर फर्क बताया जा रहा है आपको ठीक है यानी रहमान से मुराद वो रहम करने वाला है जो जिसकी शिद्दत बताई जा रही है कि वो इतना ज्यादा काइंड है ठीक है और जहां रहीम आएगा मानी वही है लेकिन इसमें बताया ये जा रहा है कि अल्लाह की रहमत मुसलसल है इसमें तसलसल आ रहा है कोई लिमिटेशन नहीं है कोई स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि अभी है हम पर रहमत और अभी नहीं है तसलसल है मुसलसल रहमत बरस रही है जी कंटिन्यूटी बिल्कुल तो इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं जैसे गर्दबान की मिसाल हमने देखी तो हम देखते हैं कि जिस तरह से जमील करीम रहीम इस वजन पर आने वाले जो अल्फाज होते हैं उनमें तसलसल पाया जाता है तो जमील उस को कहा जाता है जो खूबसूरत ही हो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन मेकअप करके खूबसूरत लग रहा है जो मसलसल खूबसूरत है अरबी में जमील उसको कहा जाता है एक दिन नजर आने वाली को नहीं इज क्लियर टू यू फाइन करीम से मुराद जो है ही अच्छे अखलाक वाला ऐसा नहीं कि उसका अच्छा नहीं है और वो एक दिन अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे अखलाक का राइट तो इसका मतलब है मुसलसल अच्छे अखलाक वाला इसी तरह से अल्लाह ताला की जो सिफत यहाँ पर बयान हुई है वो क्या है कि वो मुसलसल हम पर ह करने वाला ये बात सबको क्लियर हो गई है बैक साइड पे जो मौजूद है आपको भी सबको समझ आ रही है दैट्स राइट ओके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बहुत ही दिलचस्प है और इमोशनल है हमारे लिए हो सकती है रहमान और रहीम के दरम्यान में वाह जबर वाह इस्तेमाल नहीं हुआ क्या मतलब होता है वाह का और होता है जनरली हमें पता है इतना तो अर रहमान वर रहीम भी तो हो सकता था कि वो रहमान भी है और रहीम भी है लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं सुबह अल्लाह के अर्रहमान रहीम को इकट्ठा लिखा गया है यानी अल्लाह की रहमत की शिद्दत को अल्लाह की रहमत के तसलसल से जरब दिया जा रहा है सुबह अल्लाह और ये रहमत इस कदर बनती है यानी वो मुसलसल भी है और उसकी शिद्दत भी है तो आप इसको ऐसे अंदाजा लगाइए इमेजिन करिए जैसे कभी होती है ना बारिश बहुत ही तेजी के साथ और हम कहते हैं हमें बाकायदा आवाज सुनाई देती है तेज बारिश है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही अंदाजा लगाइए अल्लाह की रहमत हर वक्त हम पर ऐसी है। Amazing. Say, तो कितनी बेहतरीन बात है लेकिन हम इस चीज को एक्नोलॉजी नहीं करते हम हमेशा किसी ना किसी चीज का रोना रो रहे होते हैं हमें ये प्रॉब्लम्स हैं ये सॉर्ट आउट नहीं हो रही ये कभी नहीं देखते कि हमारे पास क्या क्या कुछ मौजूद है ऐसा ही है ना थोड़ी देर के लिए कोई चीज लॉस हो जाए तो फिर जो प्रॉब्लम थी हमें कदर होती है कि हाँ ये चीज तो मेरे पास इतने टाइम से थी अब चली गई है तो अंदाजा हो रहा है लेकिन जो कुछ मौजूद है उसके बारे में हम समझते हैं उस पर तो हमारा हक है वो तो है पहले से जो नहीं है उसके बारे में सोचो तो अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाइए शुरू में ही कुरान में हमें ये बात बताई जा रही है सिखाई जा रही है ठीक है कि अल्लाह की रहमत इतनी शदीद है जैसे मुसलसल एक बारिश बरस रही है और वो तेज भी बहुत है और उसका तसलसल रुकनेगा सुबह अल्लाह बहुत खूबसूरत बात है ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए सो so, रहमत क्या होती है यानी रहम होता है कि कोई मसलसल मोहब्बत से हमारा ख्याल रख रहा है हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है ठीक है ये होता है रहम करना काइंड होना रहमत बरसाना ठीक है और अल्लाह ताला की रहमत को जो बात हम अभी कर रहे थे महसूस कीजिए कि उसने हमें एक एक चीज कैसे अता की है अगर हम लिस्ट आउट करना शुरू करें तो इतना कुछ है कि वो कहते हैं ना कि समंदरों का के सारे पानी को अगर आप स्याही बना दें और सारी दुनिया के दरख्तों को आप कलम बना दें और आप लिखना शुरू करें तो क्या होगा वल्ला ही वो ही वह सब खत्म हो जाएंगे लेकिन अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी अल्लाह की रहमत खत्म नहीं होगी अल्लाह की जो नेमतें हमें मिली हुई हैं उनका हम हिसाब नहीं कर सकते कि वो कितनी ज्यादा है सुफान अल्लाह तो हमें इस चीज़ को एक्नोलेज करना चाहिए ऑब्वियसली ठीक है सुफान अल्लाह कामयाब इंसान की आदत नंबर दो हमें पता चली है बिस्मिल्लाम रहीम से क्या आदत है ऊंची आवाज में पढ़िए हर काम से पहले सब लोगों की आवाज नहीं आ रही लाउड पढ़िए हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए ये हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सिस्टर्स आई हैं ये यहाँ आगे आ जाएं पीछे नहीं बैठेंगे आप लोग यहाँ आइए प्लीज आपके लिए चेयर्स मौजूद हैं आयत जल्दी से आ जाएं ओके तो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत सब बच्चे बनाएंगे आदत इंशाल्लाह सब बड़े भी सब बच्चे हम सबको ये आदत बनानी है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो पहली आदत हमने ताबुत से सीखी थी दूसरी आदत हमें यहां पता चल हमेशा अच्छा गुमान रखें अब आप कह रहे होंगे की ये दो आदतें कैसे आई है लेटमी से मुराद अल्लाह के नाम से तो यहाँ से हमें पता चल रहा है हर काम से पहले मुस्लिम We have to start everything with the name of स्टरी ये यहाँ से पता चल रहा है अल्लाह के नाम से उसमें बरकत होगी ठीक है और इन शह से पता चल रहा है कि हमेशा अल्लाह के बारे में मुस्बत गुमान रखें पॉजिटिव सोचें कि वो हमारे लिए जो भी डिसाइड कर रहा है उसमें अच्छा है हमारे लिए चाहे वो उसकी आजमाइश हो चाहे वो जो भी हमें अता कर रहे हैं ठीक है यहाँ बता दिया गया कि वो इसके अर रहीम है इसका अदर रहमान है ठीक है तो इसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है नेगेटिविटी की ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट right. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक स्टेटमेंट मुकम्मल कर चुके हैं सब लोग मिलकर इसको अरबी में रिसाइट कीजिए, माशाल्लाह, और तर्जमा करते हैं बिस्मी रहीम अर्रहिम बाबरा तर्जमा कीजिए दैट्स राइट अच्छा ये जो शुरू का लफ्स हम लगाते हैं ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाते हैं तो ये बिल्कुल कत जरूरी नहीं है कि आप इसके तर्जमे में शुरू का लफ्ज लगाएं हम तो काम शुरू कर रहे हैं कुछ भी या नाम लेना शुरू कर रहे हैं ठीक है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे अल्फाज होते हैं ना हमें वो एड करने पड़ते हैं बट इसके मीनिंग में नहीं आता दिसमी के माने जब आपको आ जाए कहीं होमवर्क में क्विज में तो आप शुरू नहीं लिखेंगे वहाँ ठीक है क्योंकि हम रूटीन में आदि हैं इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा यहाँ पर अच्छा ये आप देख रहे हैं तस्वर और एहसास आपको बताया गया था इसका क्या करना होता है सबको बताया था तो यहां हमें क्या दुआ करनी चाहिए कोई एक आपने से हेंड्रेस करके बताए कोई इससे कोई रिलेटेड uh, कोई दुआ आपके जहन में आ रही है जी एला हमारे एल में इजाफा फरमा ये बिस्मिल्लाह से रिलेट कर रही है आपको नहीं माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया अभी हम आगे भी सुनते हैं जी माशाल्लाह आपने बिस्मिल्लाह की एक एक और अंदाज में बता दिया ठीक है सुभान अल्लाह बाद में आपसे बात करते हैं ओके okay, और यहाँ से अगर हम आसान तरीके से अपने लिए समझना चाहें तो हमें ये पता चल गया है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या अल्लाह वाक तो हमें तोफी दे कि हम जब भी अब के बाद कोई काम करें हम तेरे नाम से शुरू करें पहली दुआ दूसरी बात कि अल्लाह हम इस बात को एक्चुअली एक्नॉलेज करें अभी तो हम समझ रहे हैं इमोशनली कि अल्लाह कितना रहीम है लेकिन जब जिंदगी के मुख्तलि सर्द गर्म हालात से पाला पड़ता है तो हम भूल जाते हैं अक्सर हम अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं हमें तो बहुत प्रॉब्लम है उसको तो ये प्रॉब्लम नहीं है मुझे बहुत प्रॉब्लम है ऐसा होता है ना सो so ये बात हम यहाँ अल्लाह तला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह दरअसल हमें तो फ़ीक़त फरमा कि हम इस बात को एक्चुअली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्नॉलेज करें ठीक है इनशाला राइट तो उसके बाद क्या करना है हमें एहतसाब करना है एवेल्युट करना है अपने आप को कि क्या इससे पहले भी हम अल्लाह के नाम को इस तरह से हर काम से पहले पढ़ते थे और हम इस बात को एक्नोलेज करते थे कि अल्लाह हम पर कितना काइंड है या हम शिकायतें करते हैं तो ये हमारा एहतसाब होगा उसके बाद हम प्लान करेंगे फ्यूचर के लिए कि अब इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से लेकर चलेंगे ठीक है और दूसरे लोगों को बताएंगे सब लोग बताएंगे घर जाके बिस्मिल्लाह के हवाले से घर वालों को इन शह मतलब सिखाइए तबलीग का जो है ना वो दर्ज आपको यहां से भी मिल रहा है इनशाला आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं हम अलहमदीन अलहमद का मानी बताइए रबी अलआलमीन तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं रब है तमाम जहानों का ये लफसी तर्जमा इसका देख लिया ठीक है अलम आमतौर पर ये लफ्ज़ हम पढ़ते हैं बहुत अर्ली एज में जब हम स्कूलिंग शुरू करते हैं तो हमारी उर्दू के कायदे में उर्दू के, के के, बुक में शुरू में ही सबक होता है हम के नाम से तो हम में से ज़्यादातर तो लोगों को पता है कि अल्लाह की तारीफ को हम कहते हैं ऐसे ही है राइट यहाँ हमारी इल्म में मज़ीद इजाफा हो रहा है कि हम के एक्चुअली दो मानी हैं सिर्फ तारीफ नहीं है कौन से दो मानी हैं तमाम तारीफें भी और शुक्र भी हर तरह का शुक्र वो किसके लिए है लाही अल्लाह के लिए अब आपको मैंने बताया था बिस्मी दरअसल दो टुकड़े हैं ना इसी तरह लिल्लाही भी दो अल्फाज हैं ठीक है ठीके? आप देख रहे हैं यहाँ पर जेर ली लिए फॉर ठीक है अल्लाह अल्लाह का नाम है। अगर आपसे कोई पूछे इसको एक्सप्लेन इस इस करें आप क्या कहेंगे हमारे रब का पर्सनल नेम एक्चुअल नेम क्या है अल्लाह राइट right. अल्लाह के लिए तो क्या पता चल रहा है तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए है अल्लाह के लिए ओके रब ये लफ्ज हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं दुआओं के वक्त में खास तौर तो पर रब से दुआएं मांगते हैं अपने रब से ठीक है ये इतना जबरदस्त लफ्ज है इसका मानी इतना जामे है कि किसी भी और जुबान में एक लफ्ज़ में हम इसको इसका मीनिंग नहीं बता सकते इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो यहाँ कोशिश की गई है कि मुख्तरन बताया जाए कि रब किसको कहते हैं में से कोई एक प्लीज इसको पढ़ के सुनाए जी रेजो हैंड कौन पड़ेगा

तो सब देने वाला 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 तमाम लिए बनाने और माशा थैंक यू सो मच अल्लाह आपको जजाई खैर था फरमाए तो आप देखें कि एक्सप्लेन किया जा रहा है इसका मतलब है कि हमसे जुड़ी हुई हमारे जितने भी मामला हैं वो सारे के सारे पूरे करने वाला सिर्फ अल्लाह है इस ये जो सिफत है ये जो सिफाती नाम है इसे पता चल रहा है क्योंकि अल्लाह रब है कोई शब्द तो नहीं है किसी को इसमें इसका मतलब है है ये ये सारे काम कौन कर सकते है? तो तो कहने को हम तो हम सब ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, हम किस, कोई शरीक नहीं कर रहे हैं लेकिन ये चीजें बहुत ही आम हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में कि हम कुछ चीजों को हल करने के लिए कुछ दूसरे इंसानों पर बहुत ज्यादा रिलाई करने लगते हैं ये बहुत सेंसिटिव इशू है ये उस किस्म का शिरक है जिसको समहाओ हम शिर कंसिडर नहीं करते ठीक है दुआओं की हद तक और वो तो जाहिर है हम सब एक दूसरे के लिए करते हैं लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारा कोई भी मामला हो उसको हल सिर्फ अल्लाह कर सकता है यानी अगर एक चीज़ अल्लाह नहीं चाहते कि मुझे मिले तो दुनिया की पूरी सब लोग मिलकर भी मुझे नहीं दे सकते तो मेरा ईमान इतना इतना मजबूत होना चाहिए जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट हूँ तुम्हारे पास हो मुझसे मांगो अल्लाह तला ने यह नहीं कहा मैं सिर्फ माशा इमाम साहब के साथ हूँ कारी साहब के साथ हूँ अल्लाह तौला ने हमें इतनी सहूलत दी कि हम आम लोगों के साथ भी हैं अल्लाह ताला सबके साथ हैं तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझसे मांगो और हम लोगों के ईमान इतना कमजोर है कि हम डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक बनाना ही नहीं चाहते हम वो लोग ढूंढते हैं जो हमारे लिए शायद हमें लगता है कि हमारे लिए हमारे मसाइल को हल करेंगे और यहाँ मैं सब बच्चों को बड़ों को मैं अपने लिए भी सबके लिए कहूंगी कि हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं ना सो हमारे लिए जो दुआएं हमें सबसे ज़्यादा असर करती हैं वो हमारे माँ बाप की होती हैं हमेशा ये बात याद रखें अगर पेरेंट्स हमसे खुश हैं वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और हमारी कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो हमेशा हमें पेरेंट्स के पास जाना चाहिए उन्हें कहना चाहिए हमारे लिए दुआ करें समझ में आ रहा है क्योंकि वो खुलूस से दुआ करेंगे राइट बट ये देन में रखिए हमें हर चीज अता करने वाला सिर्फ अल्लाह है तो रब का मानी यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है इन सब चीजों से जो आप लोगों ने हमें पढ़ के बताई है इज इज क्लियर टू ठीक है दैट्स राइट अल आलमीन आप यहाँ देख रहे हैं आलम और आलमीन उसकी जमा लिखी हुई है Um, अक्सर ये होता है कि जब हम बहुत जल्दी में रिसाइट कर रहे होते हैं चाहे नमाज हो कुरान मजीद रिसाइट कर रहे हो तो उसका सबसे बड़ा जो अहतमाल होता है जो खतरा होता है वो क्या होता है जल्दी में पढ़ने से गलती ना हो और अरबी की तो आप कहें अरबी जुबान की तो पूरी गेम ही ज़बर ज़ेर पे आ, होती है ना जबर देर के साथ पूरे के पूरे मानी बदल जाते हैं ठीक है अगर जल्दी में हमें बहुत जल्दी है और हम पढ़ रहे हैं अल्हदल रबीआलम तो मानी बदल जाता है आलिम जो है वो किसको कहते हैं आलिम किसको कहते हैं ये स्कॉलर मास्टर जो किसी चीज में एक्सपर्ट इल्म का एक्सपर्ट है जिसके पास ज्यादा इल्म है और वो सिखा भी रहा है शायद ऐसे ही है उसको आलिम कहते हैं लेकिन सिर्फ जबर आने से मानी यक्सर बदल गया क्या मानी हुआ जहान और आलमीन का जिक्र है यहाँ पर तो क्या मुराद है जहानों इसका मतलब हम तो एक जहान की बात करते हैं तो यहाँ जहानों का जिक्र है अब जैसे आप यहाँ स्लाइड पर देख रहे हैं आपके जेहन में आ गया कि कौन से जहानों की बात हो रही है तो क्या कहा जा रहा है इंसानों का जहान है ठीक है हैवानात का है फरिश्तों का है जिन्नात का है राइट और कहने वाले तो सोचते हैं बहुत कुछ गहराई से सोचते हुए कहते हैं हमें क्या पता कि ये जिस दुनिया जहान को हम जानते हैं और जिन प्लैनेट्स तक हमारी रसाई है इससे बढ़कर क्या कुछ अभी हो तो हम इसको हम इस बात से कासिर हैं कि हम इसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर सके मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए सुफान अल्लाह तो अब आप यहाँ जरा अंदाजा लगाइए कि हम किस रब को कह रहे हैं कि तमाम तारीफें और शुक्र उसके लिए हैं किस रब को कह रहे हैं जो तमाम जहानों का अकेला रब है यानी ये सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीजें वो इन सबको देने वाला है अब आप सोचिए इंसान है दुनिया में कितने जानवर हैं और ऐसे ऐसे हेवान हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है ना जमीन के नीचे पानी में रहने वाले जमीन पर रहने वाले आसमानों में उड़ने वाले उनमें से हर एक के तमाम मसाइल को अल्लाह ताला सॉर्ट आउट कर रहे हैं सुबह अकेला रब है उसको किसी की मदद नहीं चाहिए फिर जिन्नात है और कितनी मखलूक हम जिन्हें जानते भी नहीं इवन के हम कितने आते हैं जिनको नहीं जानते ऐसे जानवर जो हमें नजर भी नहीं आते इंसानी आंख से अभी कोरोना कोविड से क्या कुछ हो गया क्या कहते थे वो एक जर्म है जो जो एक ऐसी मखलूक है जो तबाह है लोगों को अल्लाह तो अल्लाह ने की जो मखलूक हैं अल्लाह के जो आलम आ, आलमीन तमाम जिनकी बात हो रही है जहान उनका हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं ठीक है तो अल्लाह की बड़ाई का जो है वो यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से हमें पता चल रहा है तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं आदत नंबर चार हमें यहाँ से पता चली है कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से क्या आदत है वो पढ़ के बताइए खूब <खेंगे> इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले यानी हम जितना इल्म ज्यादा हासिल करेंगे दुनिया जहान को जहानों की बात हो रही है ना इसका मतलब है बच्चों तमाम उलूम जो हमें बताए जाते हैं मैथ केमिस्ट्री वो सब चीजें हमें अल्लाह से कनेक्ट करती है क्योंकि वो कोई न, किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बता रही है तो हम दुनिया के बारे में जितना चीज़ों का हमें ज्यादा मालूम होगा पता चलेगा अल्लाह की बड़ाई का अंदाज़ा और यकीन हमारा ज्यादा होगा फिर जब हम अल्लाह की तारीफ करेंगे तो वो दिल से होगी कि वाकई वो तो बहुत बड़ा रद्द है वो तो वाकई तारीफ़ के काबिल है समझ रहे हैं तो आप जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे हम सब उतना हम दिल से अल्लाह की तारीफ कर सकते हैं सुखान अल्लाह ठीक है और आदत नंबर पाँच भी हमें यहीं से पता चल रही है क्या है बार बार शुक्र अदा करना रब का लफ्ज हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि वो रब है जो हमें हर चीज अता कर रहा है हर चीज एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं होता हम सो भी जाते हैं तो वो जागता है ऐसे ही है मतलब तो एक छोटी सी चीज हम देख लेते हैं हमारा जो हार्ट हमारा बीट कर रहा होता है ना दिल हमारा धड़क रहा होता है सांस आ रही होती है क्या हम अपनी मर्जी से सांस ले रहे होते हैं नहीं हमारी तो तवज्जो सो चीजों की तरफ होती है हम सो रहे हैं जाग रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं तब से मुसल ये जो सिस्टम चल रहा है इसको अल्लाह ताला देख रहे हैं अल्लाह के कंट्रोल में है। हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती सुफान अल्लाह ठीक है ओके तो so, आप सब इसको रिसाइट कीजिए अरबी में अच्छा इस स्लाइड पर तस्वुर और एहसास और दुआ इसलिए मौजूद है एक तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि इमेजिनेशन आपका फीलिंग uh, जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए ठीक है और दूसरी बात जब आप अरबी भी पढ़ें ना तो अरबी को भी तोज्जो से मीनिंग के साथ पढ़े यानी आपको अगर उर्दू ना भी देखनी पड़े तो आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं ठीक है बताइए जरा अलहदू का मानी क्या है माशा तो वो तमाम तारीफें और शुक्र जो है हर तरह की वो किसके लिए है अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का ओके तबर और एहसास के साथ दुआ मांगते हुए और एहत करते हुए और प्लान और तबलीग के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अर्रहमान रहीम बहुत मेहरबान करने वाला है या मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ रहमान जो है वो क्या साबित करता है क्या जाहिर करता है अल्लाह ताला की सिफत को जी बताएगा कोई ओके ठीक तो 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 है ये तो एक्सप्लेनेशन है ना लेकिन अभी लेसन में जो टेक्निकली हमने समझा है रहमान का मीनिंग जी माशाल्लाह ये प्लीज इनको इनाम दीजिए और रहीम का कोई और बताएगा क्या जाहिर कर रहा है जी मुसलसल अल्लाह की रहमत हम पर बरस रही है सुबहानअल्लाह तो ये मीनिंग जो है ये हमने जहन में रखने ठीक है आगे बढ़ते हैं और इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे बिकॉज ये दोनों लफ्स हम पढ़ चुके हैं बिस्मिल्ला में आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता हम में से कोई चाहता है कि अल्लाह ताला उस पर काइंड ना हो हम कितनी गलतियां कोताहियां हमसे हो जाती हैं अः इबादात में भी हुक में भी इबाद में भी कितने मामलात हैं ठीक है लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करें हमारे साथ रहम का मामला हो क्यामत के रोज़ भी हम पर रहम किया जाए तो हमें ये बताया जा रहा है हमें खुद भी अपने मिजाज में ये फितरत में ये चीज़ लानी पड़ेगी आदत में भी हमें भी दूसरों के साथ काइंड रहना चाहिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत भी है और इससे बड़ी बात यह कि अल्लाह तला की सिफत है तो अल्लाह तला की इस सिफत को अपनाना तो ये तो बहुत बड़े ऑनर की बात होनी चाहिए कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रहम हम भी लोगों पर कर पाए मखलूक पर ठीक है ओके okay. तो हम जहां कहीं भी हो इस बात को ध्यान में रखें कि लोगों के साथ काइंड होकर रहम के साथ पेश आए इन शाह सब पढ़िए तस्वुर एहसास के साथ बहुत मेहरबान और रहीम का मानी रहम करने वाला माशा यानी दूसरों को भी सिखाइए तो राइट uh, right. तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है छह आदात जो कि हमने अभी सीखी है रहम करने की आदत नंबर एक सब ऊंची आवाज में पढ़िए ये पीछे वाले बच्चों की तो आवाज ही नहीं आ रही पढ़िए सब अपनी हिफाजत का ओके okay, आदत नंबर दो आदत नंबर तीन आदत नंबर चार आदत नंबर पांच और आदत नंबर छह दूसरों पर रहम कीजिए ये छह आदत हैं ये हमें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप आदत नंबर दो को आदत नंबर छह पर लेकर नहीं जाएंगे सीख जरूरी है ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं अल्हम्दुलिल्लाह से आपने कौन सी आदत सीखी और कौन सी आदत सीखी ठीक है तो हमें मस्त इसकी प्रैक्टिस करनी है ओके तो सब मुस्कुराइए जरा इतनी बड़ी स्माइली नजर आ रही है खुश रहना खुशी से सीखना बहुत जरूरी है हैप्पीली हम सीखेंगे तो चीजें से अंडरस्टैंड होंगी समझ आएंगी ठीक है और ये भी शुक्र का एक अंदाज है और इससे ज्यादा खुशी की बात और हो भी क्या सकती है कि हम इस वक्त अपने अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्शन तो होता ही है है ना तो मुस्कुराइए और खुशी से पढ़िए मैंने कोशिश की है शायद सब टीचर्स के पास ये स्लाइड्स होती है लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम स्माइल इज एड ताकि मेरे स्टूडेंट स्माइल करते रहे ठीक है करेंगे सब स्माइल ओके फाइन बैट्स राइट ओके जी तो पूरी तरह से हमने क्योंकि उनको पढ़ लिया है तस्वुर और एहसास को जहन में रखते हुए हम ओवरऑल जो कुछ हमने पढ़ा उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और आ, अमल की तौफीक अता फरमाए और फिर हम एहतसाद करेंगे कि जो कुछ हमने बिस्मिल्लाह और फिर अल्हम्दुलिल्लाह की स्टेटमेंट और रहीम से सीखा उस पर हम उसके जो मानी हमने सीखे क्या हमारी पहले वाली जिंदगी में वो अमल दखल था या नहीं था अगर था तो शुक्र करें और भी बेहतर करें अगर नहीं था तो प्लान बनाना है मुस्कबिल के लिए फ्यूचर के लिए कि हम उस पर अमल करते हुए आगे जिंदगी गुजारेंगे ठीक है इसमें हमारा ही फायदा है और तबलीग बहुत जरूरी है फर्ज है ऑप्शनल नहीं है ये मत सोचें कि हम नहीं करेंगे तो इट्स फाइन बहुत सारे लोग हैं मौलाना साहब इमाम साहब वो करेंगे उनकी भी जिम्मेदारी है हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सीखें और सिखाएं सिखाएंगे इन तो यहाँ सब लोग टीचर मोड में है ना सिर्फ स्टूडेंट नहीं बैट, बन के बैठना टीचर्स भी है ना ये बड़े एक्सपर्ट बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत रिस्पेक्टेड काशिफ साहब के राइट right? डॉटर्स है माशा आयत और सीरत दैट्स राइट बेटे भी आए हुए वहां क्या नाम है बेटे आपका अहमद माशाल्लाह दैट्स राइट तो मोस्ट वेलकम आप लोगों को भी अच्छा ये कार्ड uh, है उम्मीद है आप सब लोग अभी तक तो बुक्स ले चुके होंगे uh, ये बहुत जरूरी है इंशाल्लाह अब इसकी हमारी क्योंकि सेकंड क्लास प्रॉपर हमारी अब लर्निंग शुरू हो रही है लास्ट क्लास इंट्रोडक्टरी थी पूरा वीक काफी लोगों ने भी समझने में लगाया कॉन्टेक्ट्स किए अब हमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सो ये साथ होना जरूरी है इसकी एक्टिविटीज भी आपको मिलती रहेंगी ठीक है दिखाइए जरा कितने लोगों के पास कार्ड मौजूद है अभी क्लास में माशाला तीन लोगों के पास वहां भी है अरे माशा बहुत लोगों के पास है अल्लाह आपको फरमाए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी साथ रखना होता है इसको ठीक है इनकी टी ब्रेक में मैं आपसे मुखातिब होंगी हूँ इनशालाके okay. so, यहाँ पर अगर आज के लेसन के हवाले से कोई आपका क्विक क्वेश्चन है जो वाकई रेलिवेंट है तो आप प्लीज कर सकते हैं कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई जी कोई क्वेश्चन है आपका ओके जी सिस्टर uh, आपका गुड नेम सिस्टर नीलम सिस्टर आपने रजिस्ट्रेशन की करवाई है आपने मेरा मैसेज तो आपको रिसीव हुआ होगा राइट right. आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी आप उसको सुनिएगा और कोई भी पॉइंट आपको समझना आए तो यू कैन आस्क यू कैन आस्क हंड्रेड टाइम्स आई विल टेल यू हंड्रेड टाइम्स इनशाला ठीक है क्लियर uh, होना बहुत जरूरी है कोई भी कॉन्सेप्ट आपने कन्फ्यूज होकर ये छोड़कर नहीं जाना कि इट्स ओके okay. जो समझ नहीं आ रहा आप उसे पूछें ठीक है आई विल गाइड यू जी अर्रहमान और अर रहीम दोनों अल्लाह के सिफाती नाम है दोनों का मतलब है रहम करने वाला रहम करने वाले को मेहरबान कहते हैं लेकिन रहमान ये बता रहा है कि अल्लाह की वो सिफ़त जो रहम करने की सिफत जो हम पे बहुत ज्यादा है यानी इंटेंसिटी है शदीद रहम करता है वो यानी ऐसा रहम जितना ज़्यादा रहम कोई कर ही नहीं सकता ठीक है और रहीम से मुराद है कि अल्लाह के, अला के अला रहम, रहमत हम पर मुसलसल है ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर है और हम इस वक्त तो अल्लाह ताला मुझ तुझे रहम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं होता ठीक है तो ये दोनों का दोनों का मीनिंग है आई होप इट्स क्लियर नाउ जी आलिम तो लाम के नीचे जहाँ जेर है आलिम से मुराद होता है जैसे हम कहते हैं आलिम दीन आलि रियाजी यू you नो know, किसी भी इल्म का स्पेशल uh, टीचर जो एक्सपर्ट हो जाए मास्टर हो जाए इसमें ठीक है और आलम होता है जहान ठीक है सो तो ये फर्क है लाम जबर और लाम जेर से फर्क आ रहा है मिस्टेक देखें जब कोई जल्दी में पढ़ता है तो अक्सर लोग पढ़ने में आलमीन की जगह जगहीन पढ़ सकते हैं आपको पहले आ, सबक में बताया गया था कि हर सबक के दो हिस्से हैं कौन कौन से है? हैं फिजिकल क्लास वाले बताएं और ऑनलाइन क्लास वाले चैट बॉक्स में जवाब दें आप सबके चैट्स में बाद में पढ़ूंगी क्लास के बाद क्योंकि वो मेरे पास सेव हो रही हैं जी कितने हिस्से हैं आपके हर सबक के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा क्या कहलाता है ए और वो कुरान का हिस्सा होता है डायरेक्ट दूसरा हिस्सा और वो क्या होता है ग्रामर का हिस्सा होता है तो ग्रामर का हिस्सा शुरू कर रहे हैं पहला वाला हिस्सा आपको समझ आ गया दैट्स राइट right. तो अभी हमें फ्रेश फील करने की जरूरत है थोड़ा सा ऐसा कीजिए तीन बार गहरी सांस लीजिए इनहेल करेंगे आप नोज से गहरी सांस जितनी आप कर सकें कुछ सेकंड्स के लिए इसको रोकेंगे फिर अब एक्सहेल करेंगे और आपने इसको सुकून से तीन बार सांस लेना है आप फ्रेश फील करेंगे Once again. अच्छा कर रहे right. माशाल्लाह आगे बढ़ते हैं आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से पूरे दिल के साथ खुशी के साथ इनशाला और आपको बताया गया था कि ये ग्रामर बड़ी इंटरेस्टिंग वाली ग्रामर है ठीक है जो बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और जो बच्चे हैं सब वो तो बहुत तवज्जो से सुनते हैं और इंटरेस्ट से क्योंकि यहाँ पर इशारे भी आते हैं ठीक है काफिर, कुछ आपको यहां आ रहे हैं। बताएंगे मुस्लिम हैं किसको कहते मुसलमान मतलब जो तस्लिम कर रहा हो ठीक है ना ओके ठीक है मोमिन ईमान वाला राइट मुशरक शिर करने वाला ओके काफिर इनकार करने वाला वाला ठीक है स्वाले? ने राइट स्माइल कीजिए आपको पहले से आते हैं अच्छा जी माशाल्लाह टीपीआई फॉर एंड दिस इज नॉट पीटीआई ओके फाइन तो ग्रामर आसान है इंटरेस्टिंग है इंटरक्टिव है और उसका जो है क्रेडिट है ना वो बहुत ज्यादा इसको जाता है जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने इतने सालों की मेहनत की है तो ये जो तरीका अखज़ किया है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है जो इसके मुताबिक इस कोर्स को करेगा तो गारंटी है कि उसको चीजें समझ आएंगी आसान भी लगेंगी जो हम आपको चैलेंज जिस चीज का कर रहे हैं ठीक है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करें और आप कह रहे नहीं इट्स ओके आई एम वेरी स्मार्ट मुझे इशारों की जरूरत नहीं है फिर अगर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी तो डोंट टेल कि आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि आप पूरे तरीके से नहीं चल रहे ठीक है तो प्लीज आप हर तरीके को साथ लेकर चलेंगे जो आपको बताया जा रहा है ठीक है ओके फाइन टीपीआई यानी सारे वजूद का इस्तेमाल है आपको टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है लेसन के साथ तो हर हाल में आपको चीज समझ आएगी क्या करना है आपको गेट रेडी विद योर हैंड्स एवरीबॉडी प्लीज शो मी योर हैंड्स राइट एंड लेफ्ट ओके स्टार्ट इट नाउ सुनिए बोलिए सुनिए देखिए बताइए यानी इशारों से बताइए शो इट ठीक है ओके okay, दिल से और मिलकर आप किसी इंटरप्शन के बगैर फिर से पढ़ते हैं सुनिए देखिए सोचिए बोलिए बिताइए दिल से मिलकर वंस अगेन लाउड और मिलकर ठीक right. है जी आगे बढ़ते हैं हम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कोर्स एंड होने तक आपके साथ चलेगी आई होप कि ये हर लेसन में अब आपको नजर आएगी सो so, इसको समझ लें आपने चैप्टर वन में पढ़ा था कि कुरान में आने वाले कुल अल्फाज हैं तकरीबन सेवेंटी एट हंड्रेड थाउजेंड तकरीबन अठहत्तर ऐसे ही है अब वो जो सारे अल्फाज हैं ना वो इन तीनों में से एक हैं या तो वो इसमें इस्म, या फिर वो फेल है या फिर वो हर पहला क्या है पहली कैटेगरी दूसरी क्या है तीसरी क्या है That's right.

और यहाँ पर सिर्फ तीन हमें बताए जा रहे हैं ऊंची तो आवाज में कहिए अल्लाह का शिक्र कीजिए ठीक है अब फेल की बात करते हैं फेल वो तमाम लफ्ज कुरान में आने वाले जिससे आपको कोई काम पता चल रहा है वो हो रहा है काम या किया जा रहा है वट किसी काम का पता चल रहा है और काम के साथ वक्त छुपा हुआ है यदि वो काम या तो पास्ट में हुआ था या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा ठीक है तो इससे रेलिवेंट जो है वो बात हो रही है ठीक है और फेल में काम के यानी उस लफ्ज के अंदर काम करने वाला भी छुपा हुआ है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी इनशाला हर वो तमाम लफ्स हैं दो डेफिनेशन बताऊंगी कुरान के वो सब लफ्स जो इसम और फेल को जोड़ने का काम करें जब आपको कोई जुमला बनाना होता है ना तो अगर मैं यहाँ कहूँ कोई दो दो बॉयज के नाम बता दें वहां अहमद मौजूद है और ये ऑरेंज शर्ट में हमारे पास कौन से स्टूडेंट है सॉरी अब्दुल्ला अहमद ने अब्दुल्ला की मदद की ठीक है इसमें बताएं इसम कौन से हैं अहमद और अब्दुल्ला ठीक है फेल कौन सा है मदद करना और फर्क कौन से आपको क्या लगता है ने, की अगर ने और की निकाल दिया जाए तो जुमला अंडरस्टूड नहीं होगा आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई पूरी बात करो सही समझाओ इसका मतलब है जुमला बनाने के लिए वो तमाम लफ्ज और फेल को जोड़ते हैं कनेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं एक डेफिनेशन हो गई दूसरी डेफिनेशन वेरी स्मार्ट वाली कौन सी है वो कुरान के वो सारे लफ्ज जो इसम या फेल नहीं है वो क्या है अंडरस्टूड है ये इज इट क्लियर टू ये इसम के कुछ जो है ना वो पहचान के लिए चीजें बताई जा रही है एनी आप देख रहे हैं ये वाली तो अक्सर और बेशतर आप देखेंगे कि इन इनकी पहचान से भी आप इसम के लफ्जों को सीखेंगे मैं आपको साथ साथ बताती हूँ इन ओके जी आगे बढ़ते हैं हम और राइट अब आपको बताया जा रहा है इसम की बात हो रही है आज के सबक में हम इसम की खास बात कर रहे हैं ठीक है यानी कोई नाम या फिर कोई सिफत सिफत ठीक है ऐसा नाम जो कि आम कंसीडर हो आम कॉमन ठीक है या ऐसा नाम जो कि कोई खा, कहीं खास कंसीडर हो रहा है दो अलग तरह के होते हैं ना इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में इनको कॉमन और प्रॉपर उर्दू में क्या पढ़ते हैं मार्फा और नखरा इसम वारफा इस नखरा तो इसी तरह से आप थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है यहां तो आम इसम जैसे कोई कॉमन किसी नाम की बात हो रही है उसकी पहचान आप अरबी में कैसे करेंगे अगर उसके आखिर में आपको तनवीन नजर आ रहा है इसको इसको तनवीन भी भी कहते हैं, इसको में भी कहते हैं हैं इंग्लिश में यानी सिंपल दो जबर, दो दो जबर जेर पेश अगर आपको नजर आ रही है इसम के आखिर में तो उसका मतलब है वो इसम कौन सा है अगर आपको इसम के शुरू में अलिफ लाम नजर आ रहा है तो वो कौन सा इसम है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इंग्लिश में ए एन लगाते हैं आर्टिकल्स राइट और खास के लिए क्या लगाते हैं तो ये नाम का इस्तेमाल ऐसे ही है ये बात क्लियर हो गई है सबको कोई कंफ्यूजन किसी को सबको क्लियर है आपको भी आप सामने नहीं हो बेटे मुझे नजर नहीं आ रहे फ्रंट चेयर पे आओ आपका फेस नजर आना चाहिए मुझे यहां अजय इनके साथ ये जो पर्पल ड्रेस पहना हुआ है ना आपके साथ प्लीज यहाँ आए ओके जी आगे बढ़ते हैं हम और राइट uh... right. अब यहाँ एक चीज आप, uh, आपको याद रखनी है भूलनी नहीं है कभी भी अगर आपको अरबी की किसी किताब में ऐसा नजर आए कि किसी इसम के साथ लाम भी है और आखिर में तो आप समझ जाए कि प्रिंट करने वाले की मिस्टेक है क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कभी भी कोई लफ्स आप देखते हैं इंग्लिश में द और अ एक साथ नहीं आ सकता ऐसे ही है तो एक ही वक्त में कोई लफ्स आम और खास नहीं हो सकता इज दिस क्लियर टू एवरी वन या तो लाम होगा या फिर दो पेश होगा यानी आम को खास करने के लिए अगर आप अलिफ लाम लगा रहे हैं तो आपको दो में से एक पेश जबर या देर गिरानी पड़ेगी हटानी पड़ेगी डिलीट करनी पड़ेगी ठीक है? है? आगे बढ़ते हम और इसको क्या प्रॉब्लम right. तो यहाँ आप देखिए आम को खास बनाने की प्रैक्टिस करवाई गई है आप देख लीजिए मैं आम लफ्ज़ पढ़ूंगी आप क्योंकि ज्यादा खास है आप खास पढ़ेंगे ठीक है चले जी मसले Clear to everyone. बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं आपको सब चीजें साथ साथ समझ जा रही है, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अक्सर आप देखते हैं शुरू में भी आपको मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाह को समझ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था इस मुन की जमा क्या पढ़ी थी हमने असमाउन राइट आपको तो भूल नहीं सकता आपका अपना नाम है ना राइट तो अक्सर हम देखते हैं कि कभी बोलने वाले इसम पढ़ देते हैं कभी इस्मन पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है दरअसल इसम के आखिर में कोई ना कोई हरकत मौजूद है लेकिन जब हम उसको अदा करते हैं ना तो अरबों का यह तरीका है कि सादगी के लिए वो उसकी आखिरी हरकत को छोड़ देते हैं तो हम मुस्लिम उन पढ़ना हर वक्त जरूरी नहीं है हम मुस्लिम पढ़ सकते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है ठीक है इसी तरह मिनन लफ्स है इसमें दो पेश दो जबर दो जब छुपा हुआ है लेकिन आप इसको क्या पढ़ सकते हैं तो को क्या पढ़ सकते हैं काफिर उनको मुशरक उनको कंटिन्यू हो रहा है तो फिर आप उस हरकत को पढ़ते हुए आगे जाएंगे अगर बात मुकम्मल हो रही है तो आप आप जरूरी नहीं है कि आप इसको अदा करें इज दिस क्लियर बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कुरान में अरबी पढ़ते हैं तो हम आयत मुकम्मल करते हुए आखिरी हरकत को छोड़ देते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल्सो क्लियर आगे चलते हैं मुजक्कर वादि से मुजक्कर जमा बनाने का तरीका इतना आसान है बच्चों आप सबको याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में अभी तो आप थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं ना जब हमने बिल्कुल शुरू में सीखा था सिंगुलर से प्लुरल बनाना तो हमें क्या बताया था टीचर ने क्या एस या ई एस लगाते हैं माशाल्लाह ऐसे ही है तो यहाँ भी जो आसान तरीका यहाँ बताया गया है सबसे पहला तरीका जमा बनाने का वो क्या है अगर मुस्लिम हम किसी मुस्लिम जिसकी बात हो रही है वो वाहिद मुदक्कर है तो जमा बनाने के लिए आप या तो बानून का इजाफा करेंगे या फिर दोनों लफ्ज कौन से है फिर बताइए या यानून एक दफा फिर से नून. वाउनून कब लगाएंगे जब आपके मुजक्कर वाहिद के आखिर में दो पेश है आप क्या लगाएंगे वहां पर तो मुस्लिम से बनेगा मुस्लिम उन लफ्स है मुस्लिम लेकिन आप इसको मुस्लिम पढ़ सकते हैं अभी मैंने आपको बताया था ठीक है लेकिन लिखते हुए आपको पता होना चाहिए कि नून पे जबर है अगर आपके पास इसका मतलब है एक मुसलमान मर्द हम मुजक्कर की बात कर रहे हैं मुजक्कर क्या होता है मेल की बात हो रही है ऐसे ये सबको पता है राइट right. अगर एक मुसलमान मर्द है जिसके नाम के आखिर में दो पेश है तो हम कह रहे हैं राइट right? अगर आखिर में दो दो जबर या दो जेर है मुस्लिमन और मुस्लिम इनका मानी भी सेम है यानी एक मुसलमान मर्द मानी सेम है इनके इस्तेमाल अलग है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो इसके जमा बनाने के लिए आप क्या करेंगे दो जबर और दो जेर की सूरत में आप क्या ऐड करेंगे तो मुस्लिमन और मुस्लिम की जमा क्या हुई मुस्लिम सबको समझ आ रहा है ये ठीक है आगे बढ़ते हैं हम राइट अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सादगी के लिए उन्होंने कहा है कि आप इसकी आखिरी हरकत नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुस्लिम ना पढ़ना जरूरी नहीं है आप मुस्लिम ऊन पढ़ सकते हैं ओके ये देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ मौजूद हैं की जमा बताइए ऊंची आवाज में अभी चाय का टाइम होने वाला है थोड़ा सा इंतजार है ओके एंड मुमिनिन दैट्स राइट ओके ये देखिए कुछ हम इनको स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें हाँ याद हो जाए जल्दी-जल्दी बताइएगा मुस्लिमन की जमा मोमिनन मोमिनन صالحुन صالحिन काफिरन काफिर मुशरिक मुश्रीक मुस्लिमान मुसलिमिन मोमिनान मुमिनिन صالحान صالحिन काफिरन काफिरिन मुशrikan मुश्रीकिन माशाल्लाह मुस्कुराइए आपको याद हो चुका है मुस्कुराइए माशाल्लाह ओके जी तो ऊंची आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहिए एक बार कितना आसान है आसान सा कॉन्सेप्ट आम इसम और खास इसम का ऐसा ही है और जमा बनाना कितना आसान था आसान है ना राइट ओके जी फाइन तो आगे बढ़ते हैं हम और ये देखिए आपको यहाँ मजीद इसम की निशानियां बता दी गई है अक्सर वेशर ज्यादातर आप देखेंगे अली फ्लाम से आपको पता चल जाएगा ये इसम है आपको अगर आकर में तनवीन नजर आ रही है नजर आ रहा है तो समझ आ जाएगा कि ये क्या है इस है इसमें तो ठीक पर आप देख रहे हैं ओके okay. हमने लास्ट uh, क्लास में एक टेबल पढ़ा था कौन सा था वो हुआ हम ऐसे नहीं सुनोंगी मैं इशारों के बगैर तो टेबल है ही नहीं यहाँ शुड बी पैरल टू द ग्राउंड आपको पता है ऊपर नहीं जाएगा यहाँ नहीं है सिस्टर यहाँ है राइट हैंड राइट साइड पे कीजिए यस हुआ वो हुम, वो सब, अंता, आप, अना, एक चीज शायद क्लास में, में वो ये कि जब आप अंत और, पढ़ते हैं न, आ, अंता और पढ़ते हैं। तो ये इसमें जो नून है ना अरबी की प्रोनाउंसिएशन में तजवीज नहीं पढ़ा रही बट जस्ट टेलिंग यू उसको ऐसे पढ़ा जाता है जैसे वो आप नाक में पढ़ते हैं थोड़ा सा क्लियर नहीं पढ़ा जाता जैसे आप कहते हैं ना पंखा ऐसे ही अंत इज इट क्लियर टू यू प्रोनाउंस करें जरा अंक अंको राइट क्लियर समझ आ रहे चले, अभी हमने दो सीखे हैं मुस्लिम से मुस्लिम बनाना मुश्रिक से बनाना सीखा है मुशर सौलिह से बनाना सीखा है काफिर से राइट तो हम अगर इस, इसको इस टेबल के साथ जोड़ लें जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था तो सुबह अल्लाह पूरे जुमले बनाने हमें आ जाएंगे इतने थोड़े से वक्त में इतने जल्दी तो हमें उर्दू इंग्लिश के जुमले बनाने भी नहीं आए थे है ना तो चले प्रैक्टिस करते हैं गेट रेडी राइट हैंड राइट साइड क्योंकि मुजक्कर की बात हो रही है राइट right हैंड एक की बात होगी तो एक शहादत की उंगली से इशारा होगा ज्यादा की बात होगी तो चार उंगलियों से इशारा होगा लेकिन राइट right साइड पर ठीक है हुआ मुस्लिम ऊंचा पड़िए आप सब ओ, ओके दोबारा से वो एक मुसलमान है हु मुसलिमून वो सब मुसलमान है आंता मुस्लिम अना मुस्लिम मैं एक मुसलमान हूँ अंग तुम मुस्लिम आप सब मुसलमान हैं नखनु मुस्लिम आप सिर्फ अरबी में पढ़िए इशारों के साथ हुवा मुस्लिम हम मुस्लिम अंत मुस्लिम अना मुस्लिम हम तुम मुस्लिम नखन मुस्लिम अब मैं इशारे करूंगी आप पढ़ेंगे माशाल्लाह मुस्कुराइए मौजूद है ठीक है ओके जी आगे बढ़ते हैं हम अरबी बोल चाल जो आपको बताया गया था ये बोनस है इससे कोई अलग मेहनत नहीं है सबक के साथ खुद ब खुद आपको कुछ जुमले बनाने आ जाते हैं तो आज के खास लफ्स कौन से सिखाए जा रहे हैं आपको हल एक सवालिया लफ्स है सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका मतलब है क्या क्या राइट नाम जी हाँ का मानी देता है यस ठीक है ओके अगर मैं आपसे सवाल करूं हल का मानी आपको पता है क्या हुआ वो मुस्लिम एक मुसलमान मर्द मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी आप जवाब देंगे इशारे के मुताबिक अपने इशारे के मुताबिक अपने जी हाँ वो एक अगर आप इशारे नहीं करेंगे आपको ये भूलेगा घर जाके भूल चुका होगा हम चलेंगे यू ठीक है हल हम मुस्लिम क्या वो सब मुसलमान है जी हाँ वो सब हल अंत मुस्लिम नाम ऐसा है? है। okay. uh, करते हैं हमने जो बोल चाल की प्रैक्टिस करनी है वो हम टी ब्रेक के बाद करते हैं। आप लोग काफी लेजी हो गए हो गया ठीक है ठीके? तो अगली क्लास के शुरू में हम इसकी बोल चाल की प्रैक्टिस करके शुरू करेंगे नुकतः तालीम की बात करते हैं दिमाग को इस्तेमाल करें या उसे तो अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए एक चीज़ दी है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा ना घर में कोई मशीन भी हो कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें खराब हो जाती है अल्लाह ने इसलिए दिया कि उसको इस्तेमाल करो हमें लगता है शायद इसको बंद रखेंगे तो महफूज रहेगा ऐसा ना हो कि दुनिया में इतने सालों बाद जाएं अल्लाह ताला तहें आप पैकिंग वैसे ही लेकर आ गए हो आपने तो पैकिंग ही नहीं खोली है देन की है ना तो इस दे को इस्तेमाल करना एक सबसे बड़ी नेमत है इस दिमाग के साथ हम सब समझ रहे होते हैं सब कंट्रोल कर रहे होते हैं कंट्रोल तो वैसे अल्लाह के हाथ में है ना ठीक है ओके जी यूज इट और तो क्या लिखा हुआ है कि हम बमुश्किल अपना पच्चीस फीसद पांच फीसद से पच्चीस फीसद तक दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन हम खाली ही लेकर जाएंगे यहाँ से लगता है प्लीज तो जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र ये है कि इस दिमाग को उसी के लिए इस्तेमाल करें ठीक है इट्स क्लियर टू एवरी ओके जी तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये होता है नहीं अब मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है लिहाजा मेरा दिमाग काम नहीं करता तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप साठ साल के भी हो जाए ओल्ड तो भी दिमाग के सिर्फ तीन होते बाकी सब मौजूद हैं सो प्लीज समझिए और अपने घर में सबको विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात समझाइए तभी तो अल्लाह ने कहा है कि माँ की गोद से लेकर मौत के वक्त तक इल्म हासिल करो वरना अल्लाह ताला कहते थे इस एज के बाद तो तुम किसी काम के नहीं हो ऐसा तो नहीं कहा अल्लाह ने कहा तुम एक्टिव हो हम खुद से अपने आप को मरीज बना लेते हैं हमारा जहन एक्टिव होता है हो सकता है बहुत सारे और काम कर भी रहे हो लेकिन इस तरफ हम नहीं आते ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है ओके okay, शैतान हमें बहकाएगा हमें बहकना नहीं है बिल्कुल उसकी बातों में नहीं आना तो दिमाग की वर्जिश जरूरी है और दिमाग और मसल्स की सबसे बड़ी बेहतरीन वर्जिश यही हो सकती है कि हम अल्लाह के कामों के लिए इस्तेमाल करें इन तो कुरान के लिए इस्तेमाल करें और अल्लाह की रहमतें हासिल करें आज हमने रहमान रहीम भी पढ़ा है ठीक है अगर कोई आपको कहे आपको नहीं हम सॉरी मुझे कहे कि आप तो बहुत ही कुंजहन है मुझे तो बहुत बुरा लगेगा मतलब मुझे कहे आपका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी आई तो हम खुद ही कह देते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बाकी सब चीजों के लिए काम करता है है ना तो प्लीज अंडर मत करें और सच बोलें अपने साथ हम कर सकते हैं ठीक है अगर हम बाकी सब काम कर सकते हैं तो यह भी हो सकता है शैतान की मत सुने अल्लाह की सुने अल्लाह ने फरमाया है कि बहुत आसान है और जब शैतान बरगलाए ना जब दिल ना करे पढ़ने का तो आउज बिल्ला पढ़िए समझ जाए कि इसका शैतान का असर हो रहा है मुझ पर ठीक है तो अल्लाह की पना में आने की कोशिश कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह के ये जी तो सबक नंबर दो के इख्तिताम पर हमने कुल 27 27 हैं, जो कुरान में बार आए 8, दूसरा सेशन मुकम्मल भी नहीं हुआ कितनी बड़ी कामयाबी है तो दिल से एक बार अलहमद लिये अल्लाह का शुक्र है, है तमाम तारीफें और शुक्र उसके लिए हैं हमारे दिमाग की बैटरी आप देख रहे हैं कहाँ तक पहुंच गई है अभी सिर्फ सेकंड क्लास हमारी हाफ हुई है, है Anyway, आगे बढ़ते हैं और आपको अल्लाह ने मंतखब किया है हम। तो नजरअंदाज नजर नहीं करना अल्लाह से दुआ कीजिए और इस दुआ के साथ कि हमें, कुरान के का करने का तो फीकता फरमाए सुफानदी ही सुफान बहमदी काम सिस्टर जल्दी से नमाज के लिए चली जाए सॉरी टी ब्रेक के लिए चली जाए और अगले कोशिश कीजिएगा कि फिफ्टीन मिनट में आप लोग फ्री हो जाए ट्वेंटी मिनट से कम हो ठीक है 20 so आप इनको ले जाइए so हमारी क्लास शुरू हो जाएगी अगर आप लोग नहीं आएंगे फिर भी सो so मैं सिस्टर से ऑनलाइन क्वेश्चन कर लेती हूँ ओके सो जी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह हमारे साथ अभी जो सिस्टर्स मौजूद हैं उम्मीद है कि वो मेरी आवाज सुन रही है तमाम सिस्टर्स अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है कोई फीडबैक है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं जी कोई सिस्टर हैंडरेज कीजिए अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या आपको कुछ डिस्कस करना है कुछ बताना है डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं यहाँ सिस्टर अभिहा हैं मुझे लगता है हमारी ऑनलाइन सिस्टर्स भी चाय पीने चली गई है ये तो बड़ी अच्छी बात है वैसे आपको भी टी ब्रेक करने चाहिए ठीक है सिस्टर वीहा गीता अभी, अभी दो भी हैं माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम आपके मोबाइल का नाम आ रहा है यहाँ पर प्लीज आप इसको रीनेम कर लीजिए अस्सलाम वालेकुम मैं आमना महबूब है अनम शेख हैं अरीबा खान अरीजा तारिक आसियाना सिस्टर بنتزیہ भी हमारे साथ हैं सिस्टर बुशरा परवा مطلوب खालिदा कमर नजमा یاسین ما सिस्टर नसरीन नायाब नाजिया, रुमाना आ, ओके साथ सुहेल आई थिंक ये एक, आ, हमारी एक सिस्टर के साथ होते हैं बेटे माशाल्लाह ओके सकीना बीबी सोबिया आसिम सोनिया हफीज सुकेना अमर आज सिस्टर सुकेना ओके फाइन माशाला सिस्टर तहरीम सिस्टर तैयबा, असलम और तैयबा नूर माशाल्लाह सिस्टर उमरा सिस्टर उजना सिस्टर जैनब सो हैप्पी टू सी यू ऑल आप सबकी अटेंडेंस हमारे पास महफूज होती है um, जिस जिस टाइम 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 आप आप ज्वाइन करते हैं हैं उस से लेकर जिस तक आप क्लास में मौजूद रहते ठीक है और आपकी तवज्जो कितनी है क्लास में वो तो आप जानते हैं अल्लाह ताला जानते हैं सो so, यकीनन आप पूरी तवज्जो से क्लास को सुन रहे हैं और um, जरूर इस टाइम आप एक्टिव रहा कर आपका कोई क्वेश्चन अगर हो ड्यूरिंग क्लास जाहिर है कि कांटेक्ट उस तरह से नहीं हो पाता है लेकिन डिफरेंट लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है जिसमें हमें आपसे बात करनी होती है तो आप अपने क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं और अगर ड्यूरिंग लेसन कोई बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं हमारी सिस्टर्स क्लास में मौजूद हैं आपको रिप्लाई करने के लिए और बहुत अर्जेंट होगा तो इन आप हैंड रेस करके बात भी कर सकते हैं ठीक है सो so, अभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अभी थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं और थोड़ी देर में इंशाला आप फोर फिफ्टीन पे मस्ट वापस ज्वाइन करेंगे फोर फिफ्टीन पे हमारी नेक्स्ट क्लास सेशन टू की

तो प्लीज़ इसको मेंशन uh, किया करें क्योंकि आपके नेम से आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही होती है गूगल uh, में ऑटोमेटिकली तो आपकी अटेंडेंस सेव हो रही होती है आपका नेम नहीं होगा तो अटेंडेंस नहीं होगी तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और अगर समझ में ना आए तो आप चैट बॉक्स में पूछें हमारी जो एक य्यू सिस्टम है वो आपको गाइड करेंगे इनशाला थैंक यू एवरी वन बिल्लाही बिस्मिल्लाही रहीम। अंग्री इल्मा, आप सब चाय पी चुके हैं सिस्टर आप आगे आइए यहाँ आ जाइए प्लीज फ्रंट चेयर पे आ सकते हो आप प्लीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेशन टू लेसन नंबर थ्री जिसका आगाज हम कर रहे हैं लेसन टू हम पढ़ चुके हैं और आइए हम सब मिलकर कुरान समझते हैं वो भी आसान तरीके से क्योंकि अल्लाह सुबहन तौला ने खुद कुरान में बारहा फरमाया है कि कुरान आसान है आपने ये कोर्स शुरू किया है अब तक आपके दो अस्बाक मुकम्मल हुए हैं तारुफ के साथ तो क्या आपको ये बात महसूस होना शुरू हुई है कि कुरान सीखना आसान है राइट ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना यू कैन सी दिस क्या मतलब है इसका कुछ पता है आपको अल बुखारी की ये हदीस नंबर जो मेंशन है आपके उसके बारे में कुछ मालूम है नहीं पता है चले मैं आपको बताती हूँ इससे मुराद है खैर मनता वमा तर्जुमा मैं आपको बता चुकी हूँ अब आप बताएंगे तुम सब में से सीखे और दूसरों को सीखा माशाल्लाह इसका मतलब है अगर हमें बेहतरीन बनना है दी बेस्ट और सबने बनना है सब चाहते हैं अल्लाह की नजर में दरअसल दी बेस्ट बनना है तो हमें दोनों काम करने होंगे अल्लाह की किताब वाहिद को एक किताब भेजी अल्लाह ने हमें मैसेज दिया डायरेक्ट उसको सीखना भी है और सिखाना भी है तो इनशाला हम सब करेंगे हाथ उठा के वादा कीजिए इनशाला इनशाला है ना जी जरूर आगे बढ़ते हैं और आई थिंक मुझे टी टाइम में याद नहीं रहा कि मैं इसको ठीक करवा लेती कोई बात नहीं हम इसको देख लेते हैं री um, इन्फोर्समेंट की बात करते हुए मैं आगाज़ करूंगी लेकिन यहाँ uh, फौरी तौर पर मैं चाहूंगी सिस्टर फातिमा आप जरा इसको आई uh, रिक्वेस्ट कि आप uh, चा, uh, मैं चाहती हूँ कि अगले टेन मिनट्स में अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए जो लोग आप में से प्रेजेंट हैं ऑलरेडी uh, वो अपने नेम के आगे अटेंडेंस अगे मार्क करेंगे और जो आज ही फर्स्ट डे आए हैं वो अपना नेम खुद राइट करेंगे कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे और आज की डेट के आगे टिक मार्क करेंगे ठीक है थैंक यू फातिमा okay, अभी हमने थोड़ी देर पहले चैप्टर टू स्टडी किया था ठीक है और उसमें फातिहा की पहली तीन आयात हमने मुकम्मल की राइट और चैप्टर वन में हमने ताबूज को भी समझ लिया समझ आ रहा है सबको ओके okay, और उसके अलावा ग्रामर में हमने क्या सीखा कुछ देर पहले बताइए अल्फाज की तीन किस्में इसम आम और खास क्या होता है मुजक्कर वाहिद से जमा कैसे बनती है और दो नए लफ्ज सीखे थे कौन से थे दो नए लफ्ज और नाम दैट्स राइट right, माशाल्लाह नुकतः तालीम की बात भी हुई थी जिसमें हमें बताया जा रहा था कि हमारे पास ताकतवर दिमाग है इसको अंडर एस्टिट नहीं करें ठीक है आगे बढ़ते हैं हम और राइट तो ये सीखने के लिए बहुत आसान है अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान वन जिक्र इस यकीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं तभी आप देखते हैं कि ट्वेल्व ईयर्स के बच्चे भी इसको ईजिली सीख रहे हैं मतलब ये तो कन्फर्म है कि वो सीख रहे हैं

आप सुनाए क्लास बहुत अच्छी तो में इनको बता दीजिए कि आप कब से कुरान सीख रही हैं थोड़ा सा बता दीजिए वक्त तो मुख्तर है लेकिन आपको हम सुनना चाह रहे हैं जी जी मैं तो कई सालों से पढ़ रही हूँ शायद मेरे ख्याल में मैं कोविड के बाद शुरू करी या उससे पहले ही शुरू की थी बस मैं मुसलसिल लगी हुई हूँ कई दफा क्यू करती थी दो टू किया थ्री किया फोर किया फाइव अभी सिक्स में हूँ माशाल्लाह She 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 is 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 years old. just just like my just like my my sister. friend. ले कर आती है अगर वो करीब होती और सिस्टर इनको ये भी बता दीजिए अपने मोहतरम ग्रामी के जरा नाम बता दीजिए हैं तो काफी सारे आप जरा उनके नेम भी बता दीजिए इनको जिनसे आप पढ़ चुकी हैं अब तक जी मैंने सबसे पहले क्लास की ली थी फिर दूसरी रहमान साहब के लिए थी और तीसरी दफा मैंने जो है तीसरी दफा हाई साहब से ली थी और फिर उसके बाद मैंने जो है वो एक एजाज साहब से भी ली और, और फिर सर, सर शेजा साहब से भी ली शहजाद इस्लाम साहब जी और आ, और फिर मैंने अभी रक्सिंदर साहब साहब से ए, ले रही हूँ क्यूसी फाइव और शहजाद शे, साहब से दो क्लास से पहले भी ले चुकी हूँ और अभी भी ले रही हूँ बस आपसे भी लिया है पिछले वक्त में एक क्लास जी 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 यानी मुझे ये याद नहीं कि किससे कितनी दफा कौन सी क्लास ली ये याद नहीं है मुझे हाँ जी माशाल्लाह तो सिस्टर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया अपना आप सबको ये बताना जरूरी था कि सिस्टर माशाल्लाह 75 इयर्स की एज में इतनी एक्टिव हैं कि उनकी कोशिश ये होती है मुझे हमेशा बताती हैं कि मैं हर क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ न जाने कितनी बार कहती है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्यों सी किया है अब वो क्यों सी में है सो क्या हमारे पास कोई एक्सक्यूज है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम तो बहुत परेशान है हमारा देन काम नहीं करता लो आपको मैंने नाइन ईयर्स के बच्चे को भी बता दिया और सेवेंटी फाइव ईयर्स के छोटे बच्चों की भी मैं आपसे इंशाल्लाह बात करवाऊंगी या यहाँ लेकर आऊंगी जिन्होंने नाइन ईयर्स की एज में किया है इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं हम और आज के सबक की बात करते हैं और माशाल्लाह ये काम करना शुरू हो गया तो एनीवेज सूरह फातिहा की आयत नंबर तीन तक हमने समझा है कौन सी दुआ याद अभी हम पढ़ेंगे एक्टिव एक्टिव जल्दी से जवाब दें ओके ग्रामर में हम जमायर पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट तरह के वो हम आगे देखते हैं जी तो जल्दी से हम ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले मुबारक अल्फाज कुरान मजीद के सुनते हैं

ओके सो अलहमदुल्ला आप सब ऐसा कीजिए जरा आवाज बुलंद इसको रिसाइड करें पहली स्टेटमेंट जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदीन माशा अल्लाह तनना और पढ़ना मुबारक करे और कबूल फरमाए मालिक यउिदीन आए थे मुबारक नंबर चार एक्टिव जो तो स्टूडेंट है आप इतना अच्छा लेसन सुन रहे हैं माशाला एक्टिव थोड़ी सी देर है हमें अच्छा अच्छा पढ़ना है ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी ध्यान से सुने राइट right? ओके okay. मालिकी का मानी क्या है यौमी दिन अदीन बदले, बदले के मालिक है दिन का बदले के अब हम इसको समझते हैं इंशाल्लाह मालिक एक लफ्स है एक मुकम्मल लफ्स है इसको आप तोड़ नहीं सकते आपने ये नहीं कहना कि सिस्टर समिया ने कहा था तो आप मीम लाम काफ को अलग नहीं करेंगे ये क्वेश्चन भी आता है सम्भाव कि हमें कैसे पता चले हम कैसे तोड़ेंगे इनको मीम अलग कर दे लाम अलग कर दें नहीं आपको अरबी के हिसाब से हर्फ अलग नहीं करने लफ्ज अलग करने हैं अगर कोई टुकड़ा मुकम्मल अलग करके भी मानी दे रहा है आप उसको अलग कर सकते हैं ठीक है ओके मालिक क्या होता है जैसे हम उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ को ऑन करने वाला ऑनर किसी चीज की मलकियत होती है ना जो अल्लाह ने वक्ती तौर पर हमें दुनिया में दी है उसको मालिक कहते हैं तो अरबी में भी मालिक का मानी वही है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इज दिस क्लियर टू एवरी वन ठीक है ओके योम किसको कहते हैं दिन को ये यौम योम योम हम उर्दू में भी पढ़ते हैं योम अरबी में योम राइट योम कहाँ पढ़ते हैं किसी को याद है उर्दू में ओके okay. कुछ और माशाल्लाह ठीक है <laughs> उर्दू की किताब में ग्रामर में हम पढ़ते हैं दरख्वास्त लिखते हैं जब हम उर्दू की कि हमें दो एक योम की रुक्सत इनायत फरमाए है ना तो मेरे पहली बार मुझे याद है शुरू से हमने सीखा तो हमें ये पढ़ा पढ़ाया गया था तो इतना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ना इनके लिए ये भी बड़ा फायदा है क्योंकि हमारे उर्दू के बेशतर अल्फाज अरबी जैसे सेम हैं इंग्लिश वालों के लिए पास ये जो है ना ये फायदा नहीं है उनके लफ्ज इस तरह से मैच नहीं करते हमारे बहुत सारे उर्दू के लफ्ज क्योंकि अरबी से ही अखज होकर आए हैं तो हमें ऑटोमेटिकली आते होते हैं हमारे लिए कुरान समझना ज्यादा आसान है बनस्बत इंग्लिश जुबान की ठीक है ओके तो आगे बढ़ते हैं देखिए यम के जमा भी है बताइए क्या जमा है अम या आप पढ़ेंगे अम सादगी के लिए ठीक है अधीन के दो मानी है आप याद रखिएगा एक मानी है किसी चीज का बदला बेटे तो नहीं हो रहे हैं। लेसन समझ आ रहे हैं आपको भी बेटे मी समझ में आ रहे हैं ठीक है अहमद आपको समझ आ रहा है ठीक है तो दो मानी आपने याद रखने हैं जब भी दीन का लफ्स आएगा एक मतलब है किसी चीज का बदला एक मतलब है पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ ठीक है वे ऑफ लिविंग जैसे हम कहते हैं दीन इस्लाम तो सिस्टम ये जो हम कहते हैं ना एनी वेज इसको बाद में डिस्कस करेंगे कहते हैं नमाज पढ़ ली और रोजे भी रख लिए तो इट्स फाइन इस्लाम सिर्फ वो नहीं है पूरा वे ऑफ लिविंग आपका इस्लाम बताता है हर चीज इस्लाम के अकॉर्डिंग है ये इस बात से पता चल रहा है इस्लाम पूरा दीन है ठीक है ना एनी वेज अभी वो मानी हम अखज नहीं कर रहे हैं यहाँ जो मानी लिया जा रहा है वो पहले वाला है कौन सा है बदला आगे पढ़ते हैं जब कयामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही सबका क्या होगा अब मालिक कौन है वो है। लेकिन अब ये है कि कुछ चीजों के इख्तियार अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं क्योंकि हमें टेस्ट करना है ना ये कैसे है कुछ लोग कहते हैं भाई ये क्या बात हुई अल्लाह के हाथ में इख्तियार है तो हमें क्यों होगी मतलब ये चीजें कंफ्यूज करती हैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं ऐसे तो सारी इल्म अल्लाह के पास है तो जो बात हमें समझ आ रही है वो ये है जब हम एग्जामिनेशन रूम में होते हैं आय तो क्या होता है उस टाइम हम टीचर के हम बाउंड भी होते हैं लेकिन हमें इख्तियार दिया जाता है आप अपनी मर्जी से सॉल्व करें टीचर्स हमें ईज भी देते हैं आराम से सॉल्व करें लेकिन हम बाउंड भी होते हैं बहुत सारी चीजों में अपनी मर्जी नहीं कर सकते इधर उधर और अगर टीचर चाहे तो पेपर ले सकती हैं लेकिन हमें उन्होंने टाइम दिया होता है ना कि तीन घंटे या दो घंटे तक आप काम करेंगे मतलब कुछ दिए गए हैं कुछ नहीं दिए गए राइट तो दुनिया का मामला ऐसा है लेकिन कयामत के दिन जो इख्तियार हमें मिला है वो सारा का सारा भी अल्लाह ताला वापस ले लेंगे उस दिन हर चीज को अल्लाह ताला खुद ऑन करेंगे ये यह जो यहाँ हम अपनी मर्जी समझते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे जो एक इखियार तो अल्लाह ने किया है वहां ये भी नहीं रहेगा ठीक है तो इस बात को हम यहाँ पर एक्नोलेज कर रहे हैं कि याला तू मालिक है किस दिन का बदले के दिन का अब वो बदले का दिन कौन सा है क्योंकि उस दिन हमें बदला मिलेगा पता चला सबको किस चीज का बदला मिलेगा जो भी काम हम करेंगे अमाल क्या होते हैं काम अमाल क्या होते हैं कोई भी काम ये जो आप सुन रहे हैं ये भी तो अमल है अभी आप चाय पीने गए थे ये भी अमल था आपने अगर ये सोच के चाय पी के अच्छे से चाय पियेंगे तो अच्छा सीखेंगे तो आपकी हाँ। चाय पीने का भी आपको, रिवार्ड मिला, है आपको? और अल्लाह का शुक्र किया और अच्छे काम, करूंगा, अच्छे काम करूंगी, अच्छे काम करूंगी। अच्छे। तो वो भी आपकी इबादत थी अल्लाह इबादत इतनी आसान है हर एक काम को अगर आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए अल्लाह ठीक है तो एनी आगे बढ़ते आदत नंबर सात हमें पता चल गई साहित्य मुबारक से कयामत के दिन का मालिक कौन है अल्लाह तो हमें क्या करना है हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हर काम आखरत को सामने रख कर किया जाए और उस दिन की तैयारी में वक्त जाया ना किया जाए ठीक है यानी उसकी तैयारी पूरी तौर पे की जाए वक्त जाया नहीं करना उसकी तैयारी के लिए ठीक है ओके तो उम्मीद हमें क्या रखनी है रहम करेगा और डर क्या होना चाहिए इसका मतलब है हम लोग कभी कभी ज्यादा खुश फहमी में भी चले जाते हैं कि हम मुसलमान हैं हाँ बस इट्स फाइन हम खुद से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जैसे मैं अभी बात अभी नहीं अक्सर फ्रेंड से बात करती हूँ यहाँ भी जो सिस्टर्स हैं तो मैं बात कर रही थी कि आई डोंट आई एम नॉट थिंकिंग मैं ये तो मैंने इरादा कर लिया अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए कि फॉर लाइफ टाइम आई एम डूइंग दिस वर्क इनशाला जब तक मैं जिंदा हूँ आई विल डू दिस वर्क जो मैं अभी कर रही हूँ इन शाह कहिए प्लीज मेरे लिए आपके लिए भी यही दुआ है लेकिन वट आई वॉन्ट मैं ये बात डिस्कस भी कर चुकी हूँ वो ये है कि मैंने ये, ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ लाइफ के लिए कर रही करी मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं जन्नत में जाऊं तो मैं वहां पर भी कुरान की बातें करूँ इसी तरह से अब वो कोई मुझे कहते हैं आपको कैसे कन्फर्म है कि आप जन्नत में जाएंगे तो हमें अच्छी उम्मीद तो रखनी है ना ऐसा है कि नहीं है ना कोशिश करनी है उसके लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस खुशफहमी में बहुत ईजी हो जाए ये उम्मीद और ये डर दोनों साथ होने चाहिए कि ऐसा ना हो मेरे किसी अमल से अल्लाह नाराज हो जाए और मेरी मेरे जो अमाल है वो ज़ाया हो जाए इन दोनों के दरमियान दर्म्या, हमें जिंदगी गुजारनी है ठीक है डर इसलिए ताकि हम अपने आमाल को सीधा करते रहें शैतान के बहकावे में ना आए इज इट क्लियर टू एवरीवन ठीक है जी तो तसव्वुर के और एहसास के साथ अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें मालिकि यौमिद्दीन मालिक है दिल का बदले के यानी बदले के दिन का मालिक है उर्दू के हिसाब से जब आप बहमवृत अनुवाद करें आप इसको सेट कर सकते हैं नोब्रेस ठीक है दुआ मांगते हैं कि या उस दिन के लिए हम अभी दुआ मांगते हैं तुझसे कि उस बदले के दिन हमें अच्छा बदला मिले और जो हमसे गलतियां कुताहियां कमियां हुई हो उसे माफी मिल जाए ठीक है और एहतसाब करते हैं कि इस दिन के लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं अपने कल की अपने पिछले महीने पिछले सालों के लिए हमें सोचना है ठीक है उसके बाद हम फ्यूचर के लिए क्या करेंगे प्लान बनाएंगे ठीक है कि हमें इनशाला इस आयत को जहन में रखते हुए अपनी आखिरत को जहन में रखते हुए जिंदगी गुजारनी है इनशाला और क्या करना है हमें लोगों को ये बात बतानी है कि बदले के दिन को जहन में रखो रिजल्ट डे होता है ना हर साल के आखिर में अभी आजकल यही दिन चल रहे हैं वैसे सबके है ना तो इसी तरह जिंदगी एंड होगी और जिसका रिजल्ट उस दिन अच्छा नहीं आया फिर हमेशा के लिए वो अल्लाह की रहमत से दूर होगा शैतान की तरह और अल्लाह ताला उसको सजा देंगे तो उससे हमें बचना है हर हाल में इंशाल्लाह ताला ओके आगे बढ़ते हैं आयत नंबर पाँच सब मिलकर रिसाइट कीजिए इयाका ना वा इयाका इयाका का मानी बताइए न साइन सुबह ये देखिए यहां आपको गाइड किया गया है इयाका के दो टुकड़े हो सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे ठीक है एक ही लफ्ज है ठीक है व इयाका के तीन टुकड़े हो सकते हैं और लस्ताइन एक पूरा लफ्स है ठीक है आगे बढ़ते हैं मुस्कुराइए और आगे बढ़िए ठीक है अब चाय पी लिए अब सब मुस्कुराएंगे आपको ये नहीं कहेगा मुझे नींद आ रही है ठीक है ए या का अभी मैंने बताया ये दो लफ है क्या माने लिखा हुआ ए या का ही से मुराद है सिर्फ यानी तेरी ही सिर्फ तेरी भी आप कह सकते हो ये टोटली राइट है रॉन्ग नहीं है सिर्फ तेरी समझ आ रहा है सबको तो इसका मतलब है इससे मुराद सिर्फ सिर्फ के मानों में है ये सिर्फ तेरी या तेरी ही इज इट क्लियर टू एवरी वन ये दो लफ्ज हैं अब ये का तेरी कैसे बनता है ये आज ही ग्रामर में मैं आपको समझा दूंगी थोड़ा सा वेट करेंगे आप उसके बाद आगे चलते हैं अच्छा ये एक चीज लिखी हुई है मैं भूल गई बताना जब जुमले के शुरू में अच्छा आपने जुमले के शुरू में आएगा का तो कुछ और होगा और आखिर में आएगा तो कुछ और लेट मी एक्सप्लेन यू लेटर आगे चलते हैं ना बुधू का मानी क्या है अब आप बताइए इबादत क्या क्या होती है जल्दी से और और भी बताएं जो जो देन में आए बताते जाएं ओके ऑनलाइन स्टूडेंट चैट लिखें इसके अलावा लिखे यहाँ सब कुछ अगर वो अल्लाह की खातिर हो रहा है सिस्टर मरियम आप पास कर दें सिस्टर आयत हमारी प्यारी से सिस्टर है इनको आप करें माशाल्लाह ठीक है तो वो सारे अमाल जो दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दिए जा रहे हैं और वो उसके पीछे नियत ये है कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ वो सारे अमल इबादत इबादतर होते हैं यकीन कीजिए जैसे भी मैंने आपको चाय की मिसाल दी है ना अल्लाह आगे बढ़ते हैं सबसे पहले नमाज का जिक्र हुआ है क्योंकि कम से कम इतनी बड़ी जिंदगी अल्लाह तो अल्ला ने दी है तो अल्लाह ने फरमाया कि मुझसे मुलाकात करो पांच दफा तो आओ चौबीस घंटों में से चंद मिनट है ना तो फरमाया गया है हदीसे मुबारक है ऑथेंटिक क्या है जिसने नमाज छोड़ी उसने ढा दिया मतलब घिरा दिया ये भी है फर्क बताया जा रहा है कि जिसने नमाज को छोड़ा जी आप बताइए इक्जाक्ट, ने सही मकूम बताया उसका यानी ये फर्क है कि जो नमाज अदा नहीं कर रहा इसका मतलब है वो कुफर के जमरे में आ रहा है अल्लाह हम सबको तोफी अदा फरमाए कि हम नमाजें अदा करें और दुरुस्त अदा करें समझ कर जो काम अब हम अब हम कर रहे हैं ये भी एक बड़ा मकसद है कि इस कोर्स में कुरान समझने के लिए पहले कोर्स में हमें नमाज सिखाई जा रही है ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं हम अब हमारे पास लफ्स है वाई या का और मैंने आपको बताया कि ये तीन टुकड़ों में हो सकता है ना वा का मतलब है ईया सिर्फ यही ठीक है का तेरी सिर्फ तुझी से सिर्फ तेरी ही सॉरी और तुझी से और सिर्फ तेरी इन मानों में आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है ओके okay. नस्ताइन का मानी क्या है मदद ये लफ्स हम उर्दू में पढ़ते हैं ना तो अरबी में भी इसी से नस्ताइन बना है ठीक है वो कैसे है टेबल्स आप आगे पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा ये आप एक हिंट आपको मिल रही है एक इशारा एक निशानी दोनों के शुरू में नून जबर ना आ रहा है तो ये एक निशानी है जरा ध्यान से देखिए नून जबर ना आ, इसका मतलब है हम नून जबर ना हम हाँ, राइट तो इसका मतलब है बहुत सारे अल्फाज की आपको पहचान हो जाएगी अगर शुरू में ना आ रहे है जैसे अगर मैं कहूँ कहूँ अरुदू मानी क्या है मैं पनाह में आता हूं अगर मैं कहूँ नोजू हम पनाह में आते हैं अब आपको समझ आया ना का इस्तेमाल सबको ठीक है फाइन अच्छा जी इबादत की बात हो रही थी तो सुबह अल्लाहत आयोजर फिफ्टी सिक्स में अल्लाह क्या फरमाते हैं बताइए सब तो मकसद तखलीक पता चल गया अब मैं कुछ भी कहूं मैं इसलिए दुनिया में आई हूं मुझे तो ये ये काम करना है ये ये चीजें अचीव करनी है अल्लाह ने कहा है दुनिया में आओ तुम्हारे लिए दुनिया अचीव करो लेकिन मकसद से ना हटो मकसद कुछ नहीं हो सकता आप पैसा कमाएं हलाल तरीके से उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और बहुत कुछ करें दुनिया में लेकिन आप अपने मकसद से हटके अगर करेंगे तो फिर आप नुकसान में हैं आपका मकसद वो नहीं होना चाहिए मकसद है अल्लाह को राजी करना जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं उस पेपर के लिए हमें एक घंटा दो घंटे मिलते हैं ना उसमें हमें सिर्फ पेपर का, का, का काम करना है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आए तो इस टाइम को गनीमत वक्त बहुत बहुत कम है है हमें बहुत कुछ करना है अभी और क्या करना है इबादत जिन्नों और इंसानों को अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया दैट्स इट अब आप कुछ भी कह ले मकसद अल्लाह ने क्लियर कर दिया ठीक है ये याद रखना है और प्लीज ये आयत नंबर और ये जो नेम है ना ये भी याद रखें क्योंकि आप जब किसी को बताते हैं इसके साथ हवाला देकर बताएंगे तो अच्छा होता है। तो ज्यादा ठीक है छोटी छोटी चीजें याद रखें ओके बहुत सारी इबादात लिखी है नाफरमानी से बचना अल्लाह को एक मानना ना करना नमाज पढ़ अदा करना रोजे रखना जिकात हज अल्लाह के दिन की तरफ बुलाना जो काम आप इंशाल्लाह करेंगे आप सीख रहे हैं इल्म हासिल करना हलाल कमाना दूसरों की खिदमत करना और बहुत कुछ ठीक है ओके जी मुस्कुराइए थैंक यू सो मच ओके आदत नंबर आठ हमें पता चल गई या का से कौन सी आदत है सब बोले तो अभी जो कह रहे थे हर काम सोचे ये काम भी मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली काम की सिम दुरुस्त हो जाएगी कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो हम काम खुद ब खुद दुरुस्त करेंगे समझ आ रहा है सबको है ना तो वो काम इबादत बन जाएगा इसका मतलब हम चौबीस घंटे इबादत कर सकते हैं इबादत अल्लाह ने फरमाया इसीलिए पैदा किया है तो चौबीस घंटे इबादत कैसे होगी यही कि हर काम को दुरुस्त करें और हर काम को अल्लाह के तो सौंप दे के याला मैं ये भी तेरे लिए कर रहा हूँ चौबीस घंटे हमारी इबादत शुमार हो सकती है हम सोते जागते हर वक्त इबादत कर सकते हैं कितनी आसान बात हमें पता चल गई ठीक है ओके और यहाँ मेंशन है कि जिस्म को खाना चाहिए और रूह को अच्छा दो चीजें बिल्कुल अलग हैं यक्सर अलग हैं एक होता है आराम और एक होता है सुकून आराम हमें बहुत मयसर होता है खाने को सब है अलहमदुल्ल ए भी मौजूद है मतलब तो सब है बेचैनी है फिर भी सुकून नहीं है क्यों क्योंकि रूह जो है ना उसको आराम नहीं चाहिए उसको सुकून चाहिए और कुरान बताता है कि इतमान और सुकून किसमें है अल्लाह के जिक्र जिक्र और, दिखे। दिखे। और दिखे क्या होता है अल्लाह को याद करना अल्लाह से कनेक्शन अगर वो नहीं है तो आप दुनिया में बिलगेट्स बन जाएं आप कुछ भी बन जाएं आप कुछ भी अचीव कर लें अगर वो नहीं है तो बेचैनी तो रहेगी ठीक है और ये भी जहन में रखें जाहिर है जिसम की हिफाजत अल्लाह की नेमत है जब तक हम जिंदा हैं वो भी जरूरी है उसकी जरूरतें भी जरूरी हैं लेकिन रूह की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि जिसम तो एक दिन खत्म हो जाएगा रूह ने यहाँ से वहां मुंतकिल होना है हम कहते हैं इंतकाल हो गया ट्रांसफर होना है उसका असल हिसाब किताब तो रूह के साथ है इसका मतलब है उसकी जरूरतें ज्यादा जरूरी है ठीक है इनशाला ओके जी आदत नंबर नो व्यान से हमें क्या पता चला हर काम में अल्लाह से मदद मांगना तो दो बातें इसमें छुपी हुई है एक तो मदद मांगना मांगे मदद जिस चीज में आपको जरूरत है और मांगनी किससे सिर्फ ये जो हमने यहाँ लिखा सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं इससे मुराद है कि किसी और की इबादत मुमकिन नहीं है नहीं कर सकता कोई मुसलमान मोमिन नहीं करेगा कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं बनती फिर हमने कहा सिर्फ तेरी हम तुझसे मदद मांगते हैं तेरी ही और तुझ ही से इसका मतलब है मदद भी किसी और से नहीं मानी जाएगी इन ठीक है तो जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने नबियों ने मांगा वो तरीके हमें सीखने चाहिए क्योंकि वो कामयाब लोग हैं ताकि हमें भी पता चले कि किन आदाब के साथ किन अल्फाज के साथ वो मांगा करते थे और क्या क्या चीजें मांगते थे इसका मतलब है उन चीजों की वैल्यू जाहिर है ज्यादा थी क्योंकि अल्लाह अल्लाह ने उन पर उनके रहनुमा, डायरेक्ट रहनुमाई उनकी फरमा रहे थे ना तो हमें वो भी सीखना है और उस तरीके से दुआएं मांगनी है अब हम पूरे तस्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं आप सब पढ़िए का मानी ना व ईया माशा तो फील करें दिल में और तस्वुर यानी एहसास दिल में होगा और तस्वुर करेंगे जहन में क्या ये जो हमने पढ़ा है या हमें दरअसल तेरी इबादत करने वाला बना आमीन या हमें दरअसल तुझी से मदद मांगने वाला बना अल्लाह से मदद मांगना यानी तुद का हद भी अदा हो रहा है और मदद मांगेंगे जरूरत भी पूरी होगी और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है कि मुझसे मांगा जाए जो जितना ज्यादा मांगते हैं अल्लाह से ज्यादा खुश होते हैं दुनिया में क्या होता है मैं आप कोई चीज़ आप ले की दूसरी बार वो कितना बड़ा है जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा खुश होता है तोहन अल्लाह ऐसे ही है ना और जो नहीं मांगा ना मांगना जो छोड़ देता है जो नहीं मांगता तो यकीन कीजिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला की नाराजगी होती है कि इंसान मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर रहा ठीक है अल्लाह सुखान्ल में फर एहतस कीजिए इससे पहले हम इबादत करते हैं कितनी करते हैं अब हमें बता दिया चौबीस घंटे इबादत हो सकती है लिस्ट बनाए कि हम पूरे चौबीस घंटे में कितनी इबादतें करते हैं कितनी चीजों में अल्लाह को याद रखते हैं कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली दुनिया की गहमा गहमी में अब ईद उल अजहा आ रही है ना अगर हम ईद कुर्बान पे कुर्बानी का जानवर लाएंगे और हमारी नीयत ये होगी इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं यू नो एनिमल्स और हम लेकर भी आए और फिर हम ये सोचे कि हाँ मेरे फ्रेंड कहेंगे बड़ा जबरदस्त बकरा लेकर आए हैं ये तो है ना और हम ये भूल गए कि हम अल्लाह के लिए ला रहे हैं यकीन कीजिए वक्त वेस्ट हो जाएगा अगर हमने मकसद ही नहीं समझा कुर्बानी का क्या था और हमने ये सोचा ही नहीं कि हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे शौफ तो अल्लाह ताला को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है अल्लाह के लिए अगर हम करेंगे तो स्वाब मिलेगा ना इसी तरह हर इबादत का मामला है ठीक है और ये एहतसाब रहे हैं हमने इसके बारे में और फिर मदद के बारे में सोचना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मामला हल करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं ये फला वो क्या दीवारों पे लिखा होता है बंगाली बाबा आपका मसला हल करेगा ऐसे ही होता है दो दिन में मसला हल हो जाएगा आप सिर्फ कॉन्टेक्ट करें बंगाली बाबा के अपने मसले सबसे ज्यादा हल हुए में इसका मतलब है शुड हैव इन द वर्ल्ड ऐसा ही है अगर ऐसा नहीं है तो हो ही नहीं सकता ना वो अल्लाह के बंदे हैं ठीक है ना तो दुआओं की हद तक और वो तो ठीक है बुजुर्गों से एक उनके लिए दुआ करना वो ठीक है बट रिलाई कभी नहीं कर सकते मामला सिर्फ अल्लाह ताला हल कर सकते हैं और अल्लाह को ये बात एक्सेप्ट भी नहीं है कि उसके अलावा किसी से मदद मांगे सो दिस इज वेरी क्लियर एहतसाब के बाद प्लान बनाइए कि अगर ये गलतियां हमसे हो रही है तो डिस्कस करें आलिम दीन से कि ये हमें ये हमें करेंग रहा है ऐसा तो नहीं ये शिफ्ट में जा रहा है क्लैरिटी हो जाएगी एक दूसरे से ना पूछे एक्सपर्ट लोगों से पूछे मुझसे भी ना पूछे मैं आलिम दीन नहीं हूँ ठीक है ताकि ये बहुत क्लियर हो क्योंकि तोहिद नहीं है तो ईमान नहीं है तो ही पहली चीज है ठीक है तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ते हैं हम और फिर तबलीग प्लान करेंगे फ्यूचर का और उसके बाद तबलीग करेंगे लोगों को ये बात बताएंगे इनशाला आदत नंबर एक मुझे बताएंगी सीरत सीरत जल्दी से बताइए जी अच्छा। आदत नंबर दो बताएंगी आयत अच्छा। आदत नंबर तीन अच्छा। आदत नंबर अच्छा। चार तदब्बर कीजिए ओके तदब्बुर होता है गौर करना ठीक है आप बताएं नंबर पांच आदत नंबर छह आदत नंबर सात वक्त जया ना किया जाए ओके आदत नंबर आठ अहमद बताएंगे हर काम में दूर है हर काम में पढ़ो हर काम में नीयत हो इबादत की माशाल्लाह ये हरा अहमद को जरा प्लीज गिफ्ट दीजिए जल्दी से ओके जी आदत नंबर नो हमें बताएंगे यूसुफ जी दैट्स राइट right, माशाल्लाह मुस्कुराइए कामयाब इंसान बनने की अभी तो थोड़ा सा वक्त हुआ है हमें इतनी बातें अल्लाह ने सिखा दी हैं अब ये हमारा यकीन और ईमान है कि हम इन पे अमल करें इंशाल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी इंशाल्लाह इनशाला ओके कार्ड सबके पास मौजूद है निकाले जरा जिनके पास है और एक नजर जरा देखिए जो वर्ड हमने अब तक सीखे हैं जल्दी से सब लोग देखे जरा जी आप सबने रिवाइज किया मौजूद है कितने लोगों के पास वन टू Three. नहीं है, आप लोगों के पास अभी ठीक है नेक्स्ट टाइम इंशाला लेकर आइए ताकि हम प्रॉपर इसकी एक्टिविटी क्लास में भी करवाए ठीक है ओके okay. आगे बढ़ते हैं हम जी तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका कोई क्विक क्वेश्चन क्वेश्चन जो बिल्कुल है वो आप प्लीज कर सकते हैं पूछ सकते हैं जी कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो क्वेश्चन ही नहीं होता है मेरी क्लास में तो मैंने बत, क्या बताया था पहली क्लास में खामोशी का मतलब है या तो आपको सब समझ आया या कुछ नहीं समझ आया <laughs> जी प्लीज हम पना में आते हैं सिंपल तो उसमें हम यही तो कह रहे होते हैं जब हम कहते हैं ना कोई भी ऐसी मजायके वाली बात हो तो हम कहते हैं बिल्ला तो दरअसल यही कह रहे होते हैं कि हम पना में आते हैं अल्लाह की कि हमने क्या कह दिया या हमें ये जिक्र करना पड़ गया या हमने ये सुन लिया तो वो यही है वो अलग है ही नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई है क्योंकि ये हमारी रूटीन है हम बोलते हैं ना माशाल्लाह नावज बिल्ला और आउज दोनों ठीक है ठीक है अगर आप सबके लिए पढ़ रहे हैं बरकत है टीम वर्क को अप्रिशिएट किया गया इस्लाम में कि मिलके काम करें एक दूसरे को तो नावज पढ़ना इस हिसाब से, से और भी ज्यादा फायदे में है ठीक है जजाक ठीक है चले जी आगे बढ़ते हैं एंड सबक नंबर तीन बी की तरफ आते हैं ग्रामर है तो तीन गहरी सांस जैसे आप सब सांस ले रहे हैं ना ऐसा तो नहीं क्या वेट कर रहे थे तीन सांसों की सांस ले रहे हैं सब चले तीन गहरी सांस लेते हैं सब डन फीलिंग फ्रेश इनशाला सब लोग ओके okay. जी ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है वर्ड जरा पढ़िए का ना फिर से पढ़िए मुस्कुराइए खुशी से याद रखना है कि हम खुश होकर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी वो जज्बा है जो हमें सीखने में ज्यादा मदद करेगा ठीक है ओके पी आई टोटली फिजिकली इंटरक्ट करें अपने सबक के साथ यानी क्या करें सुनिए देखिए सोचिए बोलिए बताइए दिल से सब मिलकर अब अगर आप सुन तो रहे हैं मुझे लेकिन यहाँ नहीं देख रहे अगर आप सोच को छोड़ रहे हैं सुन तो रहे हैं देख दे रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है आप देख रहे हैं कि अभी घर जाके ये वाले कार्टून देखने हैं मुझे

इस जज्बे के साथ नहीं कि हमें मिलकर करना है तो आपके सीखने में फर्क पड़ेगा यही बताया गया है कि एक ही वक्त में आप ये सब करने की सलाहियत रखते हैं तो अगर आप ये सब कर रहे हैं इट इट आप का हक अदा कर रहे हैं इज क्लियर टू करेंगे सब एक्टिव हो जाए जरा अच्छा इसके बारे में हम टीपीआई के बारे में आज एंड में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी देखेंगे अच्छा ये हमने पढ़ा था अब आप बताएं इसमें कौन से लफ्ज होते हैं मुख्तर नाम और सिफत सिफत ओके क्या होता है काम और जितने जमाना भी हो ठीक है और काम करने वाला छुपाओ ओके फाइन हर क्या होता है इसमो और पेलो को और वो तमाम कुरान के लफ्ज़ जो वो क्या है याँगा। 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 ये इसम हमने अभी पढ़े थे कुछ टाइम पहले सब पढ़िए जल्दी से मुस्लिम काफिर मुशरक मुनाफिक ओके ये आपको एक्टिव करने के लिए था सब बोले हमने चैप्टर में छह अल्फाज का टेबल पढ़ा था जिसका नाम मैंने आपको बताया था डिटैच प्रोनाउंस थे वो जो नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्स होते हैं उर्दू में क्या नाम था प्रोनाउन को उर्दू में जमायर कहते हैं बच्चों हम हमजस्ट चलेंगे याद करने की जरूरत नहीं है बट अगर हो जाए तो अच्छी बात है और मुनफसिला राइट अब ये मैं आपको जो बता रही हूँ वो कुछ और होगा सब so, हमजस्ट चलेंगे हमने क्या पढ़ा था वो वो सब आप मैं आप सब हम सब अब जो पहले इशारे कर रहे थे वो तेज कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे थे उनके गलत हो रहे हैं इशारे क्योंकि उन्होंने पहले फोकस नहीं किया अब जल्दी जल्दी करेंगे One, two, वो वो सब आप अच्छा ये दूसरी तरह लिखा हुआ है आप उस तरह से करें जैसे आपने किया जी वो वो सब आप मैं आप सब हम सब और तेज करते हैं वो वो सब आप मैं आप सब हम सब ठीक है चले आगे कोशिश करते हैं अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये तो हमारा पहले का सबक है ना हमने पिछले लेसन में पढ़ा था इन्हीं से कुछ और लफ्स बना रहे हैं छह लफ्स चेंज कैसे हो रहा है वो डीटैच था अब क्या है यानी कुछ ऐसे प्रोनाउ में आपको बताऊंगी जो आपने लफ्जों के साथ अटैच करना है।, है ना ठीक है यानी हमें अपने रूम के साथ अटैच स्टडी रूम चाहिए अटैच अटैच हुआ होता है मिला हुआ होता है बच्चों ऐसा ही है ठीक है तो ये हमें कुछ लफ्जों के साथ अटैच करने पड़ेंगे क्या होंगे वो 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 सबकी जगह होगा उसका उनका ठीक है और आप और आप सब की जगह क्या होगा आप सबका मैं और हम सब की जगह क्या होगा मेरा और हमारा इसको अगर हम इस तरह से कर लें जैसे हमने बोलचाल के अंदाज में किया था जैसे वो वो सब आप मैं आप सब हम सब तो सीक्वेंस क्या होगा उसका उन सब का आपका मेरा आप सब का हमारा दो बातें याद रखिए अटैच्ड प्रोनाउन के बारे में जो मैं आपको बता रही हूं जमायर मुत्तसिला मुत्तसिल करना जोड़ देना अटैच्ड इसको कहते हैं इंग्लिश में इसमें दो बातें एक तो ये किसी लफ्ज के साथ जुड़कर आते हैं और इसका मानी भी ऐसा है कि इसको किसी चीज के साथ मलकियत बताई, हाँ, बताई जा रही है उसकी ये चीज उसकी किताब उसका हाँजेशन शो हो रही है ना मलकियत बताई जा रही है ठीक है ओके जी तो आप इसको अगर उर्दू में तो पढ़ चुके हैं अगर हम इसको अरबी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे वन टू थ्री हुम का कुम ना वन सगेन हु कुम ना थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं हू होम का ये कुमना वंस अगेन हू होम का ये कुमना सुने मुझे और देखे वहां फिर आसान हो जाएगा अभी आपको याद नहीं है ना कोई बात नहीं सी 1 2 3 हू होम का ये कुम ना। माशाल्लाह ओके okay, अब हम तर्जमे के साथ पढ़ते हैं मैं इशारे करूंगी आप अरबी और तर्जमा दोनों पढ़ेंगे 1 2 3 हू ना हमारा क्लियर टू एवरी कौन यहाँ आकर टेबल सुनाएगा पूरा इशारों के साथ ये पूरा आता है आपको जबानी सच में नहीं आता कोई आज आप आजो, आजो। नहीं आप आएंगे ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर नो no वरीज कोशिश करें आप आज बेटे आप आज सीरत आज माशाल्लाह पहल करना जो है ना दीन में नेकी में वो बहुत बड़ी बात है आपको मैं आगे बताऊंगी हजरत काशा की स्टोरी इनको पता है इसलिए ये आ गई है तो पहल करने वाले का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है ठीक है अच्छा जी आप मुझे यहाँ से देख सकते हो अगर भूल जाए थ्री माशा ये आपका इनाम ये इनाम है आपका सिस्टर नहीं आपके लिए ये होना चाहिए

ये आपको सिर्फ जो टुकड़े लग रहे हैं ना आपको लग रहा है क्या सिस्टर ने टुकड़े से पढ़ाया है मैं पूरा लफ्ज भी नहीं पढ़ाया उसका उनका क्या मत करें ये जो कुरान मजीद है ना तकरीबन तकरीबन हर लाइन में ये लफ्ज हैं आपको अगर अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा मैं रिपीट कर देती हूँ तकरीबन कुरान की हर लाइन में ये अल्फाज आ रहे हैं इतनी कामयाबी करके साथ आज आप घर जाएंगे अलहमदुल्ला राइट ये देखें इस तरह से आप इनको ढूंढ सकते हैं ये हु और ही दोनों होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी एनी आगे बढ़ते हैं okay, ओके जैसे आपने ये पढ़ा है ना हु ऐसे ही हिम भी होता है मैं आपको आगे बताती हूँ अच्छा हम इसके साथ एक खूबसूरत लफ्ज जोड़ते हैं जो है रब जी हाँ मैं आपको बुलाती हूँ बुलाती हूँ बेटे वेट करें रब को इसके साथ हम जोड़ेंगे ठीक है आई एम सॉरी जी हु हो जाएगा सही है पढ़िए रब उसका रब रब हु रबु का रबी रबुकुम रबुना हम सब का रब अरबी में पढ़िए जल्दी से रबुह हुम, रबु का रबी रबुकुम रबुना क्लियर कई दफा आप देखते हैं कि ये हु, हुम जो है ना ये ही हिम फॉर्म में भी कुरान में आते हैं इनके मीनिंग सेम है

उसका रब अल्लाह है, ठीक है मन रब कौन है उन सब का रब रब रब्बुहुम अल्लाह उन सब का रब मन रबु का कौन है आपका रब मेरा रब अल्लाह है मन रब्बुकुम कौन है आप सब का रब रब्ला हम सब का रब अल्लाह है क्लियर ओके अब मैं आपको जरा टाइम देती हूँ टेन सेकंड्स का दो दो का बन बनके एक सवाल करेगा एक जवाब और इशारे जरूरी है मैं सबको वॉच रही हूँ जल्दी से जल्दी से एवरी वन आप दोनों सिस्टर, आप मेरे साथ करें इशारे आप यहाँ देखिए बताएंगे मन रबु इशारे वहां होंगे मन रबुम मन रब्बू का रबी अल्लाह रबी अल्लाह एक होंगे इशारे मन रबु कुम रबुनल्ला ठीक है एक दफा फिर मन रबुह इशारा यहाँ होगा मन, मन अल्लाह यानी जो मैं आपसे पूछूंगी आप अपना जवाब तो प्रैक्टिस ओवर क्लास थैंक यू सो मच अल्लाह आपको जजाई कह रहा था फर ठीक है अच्छा जी इसी तरह तो हम और बहुत सारे लफ्ज जोड़ सकते हैं दीन को जोड़िए और आप पढ़िए दिनूहू उसका दीन दीन हुम उन सबका दीन दीनू का आपका दीन दीनी मेरा दीन दीनू कुम आप सबका दीन दीनी माँ हम सब अब कंफ्यूज मत होइएगा कि दो नून कहाँ से आए हैं एक दीन का नून है और एक फॉर्मूला में ना है ना ना यू you नो know? तो दीनु ना हो गया इज इट क्लियर टू एवरीवन यानी इसके साथ फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है इसके साथ कुछ भी जोड़ दें आपका टेबल बन जाएगा क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप कोई लफ्ज आगे कुछ लफ्ज आते हैं हम उनको देखते हैं माँ का मतलब क्या है क्या एक लफ तुमने पढ़ा था हल उसका मतलब क्या था मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी आगे चल के ठीक है मादीनु का क्या है तुम्हारा दिन तो इतनी खूबसूरत बात आप कर सकते हैं अरबी में माशाल्लाह कि मेरा दीन इस्लाम है मा दीनूहु दीनूहुल इस्लाम मा दिन मा का मा दिनुकम यानी आपने घर में आईने के सामने इतनी प्रैक्टिस करनी है और जो दो दो लोग एक घर से आए हैं वो एक दूसरे के सामने कि आपको उर्दू की जरूरत ही ना पड़े आपको उर्दू के बगैर ही अरबी में समझ आ क्योंकि इशारे बता रहे हैं ना किसकी बात हो रही है मेरी तुम्हारी क्लियर ओके okay. अब हम इनके टेबल बना सकते हैं सिर्फ अरबी में बनाते किताब हो उसकी किताब है कलम हो क्या है उसका कलम उसका पेन सात हो उसकी घड़ी किस किसके पास है अभी ठीक है जवाल जो किसके पास मोबाइल है ये तो सबके पास है देख लें इसी तरह हमें कुरान की समझ इनशाला हमारा ख्वाब होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ऐसे हो जाए किस किस को कुरान समझ आता है सब कहीं हमें आता है इनशाला है ना ओके जितने मोबाइल को हम फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा अगर कर लें तो बहुत अच्छा हो अच्छा ये देखिए छोटा सा जुमला बन सकते हैं अगर आप इसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं कितना इजी अरबी सीखना देखें इंग्लिश उर्दू से यकीनन ज्यादा आसान है किताबू का किताबी इसका मतलब क्या है तुम्हारी किताब मेरी किताब है अगर मैं ये कहूं तो आप ठीक है साइन दे देंगे अपनी किताब मुझे ठीक है कलम का कलम? कलम है साइन तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है नहीं रही नहीं मेरी अपनी है साइन अगर किसी ने कह दिया जब वालू का जब्वाली तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल कहेंगे नहीं एम सो सॉरी तो ये इंटरेस्टिंग है ना ये घर जाके एक्टिविटी कीजिएगा ताकि घर में जो अभी नहीं आ रहे हजरा के लिए के लिए भी संडे को क्लास है सबके लिए मौजूद है ठीक है उनको बताएं कि आप भी ये सब चीजें सीख सकते हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है घर वालों को मोटिवेट करना अब आपका काम है ठीक है इनशाला हमने उनके लिए रोल मॉडल बनना है उनको इंप्रेस करना है कि हम सीख रहे हैं आप भी सीखे इनशाला इसमें से कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए सिस्टर मुतसिला जी ये हमेशा से आखिर में जोड़ते हैं ये बहुत अच्छी बात आपने की है अच्छा थैंक यू सो मच फॉर ये मुझे आपने हिंट दे दिया है अभी हम जो कुरानी खिस्सा पढ़े थे ना उसमें भी पढ़ा था इया का और मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी थैंक यू फॉर दिस आपने मुझे हेल्प किया तो वहां भी का शुरू में नहीं आ सकता ठीक है शुरू में एक और काफ जबर का, का आता है वो हम आगे पढ़ेंगे कई कुछ चैप्टर्स के बाद अभी का वो क्योंकि रिलीवेंट नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी कि आखिर वाला जो का होता है ये हमेशा आखिर में आएंगे ये जो आप देख रही है सिस्टर ये ये सब का ये ये जो फॉर्मूला है हु हुम का ये कुम ना ये सब आखिर में ही आते हैं इज दिस क्लियर टू एवरी एनी अदर क्वेश्चन नो जी जल्दी से बताइए डिटैच का मतलब होता है अलग एक पूरा लफ्स है ना वो डिटैच है डिटैच अलग हुआ हुआ अब आप अभी ये समझो जी जी वो यानी वो चीज जुड़ी हुई है और वो जुड़ी हुई नहीं है अलग है पूरा एक पूरी एक चीज है डिटैच ठीक है मुन ठीक है अच्छा मैंने ये एडिशनल एक चीज ऐड की है इस लेवल पे आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फर्क बताना बहुत आसान है मैंने क्योंकि बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ अटैच और डिटैच इसलिए मैं ऐड कर देती हूँ आपको याद ना भी हो कोई बात नहीं है ठीक है ना अच्छा नुकता तालीम आज का इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए स्टोरी आ गई है स्टोरी आ गई है सबके लिए बहुत अच्छी स्टोरी अच्छा हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसमें हमने पढ़ा था कि करोड़ों सेल्स हैं ठीक है Uh, तो हमारा दिमाग काम कैसे करता है एक ही वक्त में बहुत सारे सेल्स काम कर रहे होते हैं ये बड़ा कमाल है और वो ऐसे होता है जैसे बिजलियां चमक रही हूं अब आपको लग रहा होगा मैं शायद एग्जाजरेट कर रही हूँ दरअसल स्पार्क होती है ना जैसे आप बिजली कभी तारे जुड़ जाए हम कहते हैं बचो हमारे दिमाग में एक्चुअली बिजली चमकती है जब वो कहीं काम अब आपके जहन इस वक्त इतना काम कर रहे हैं सुन भी रहे हैं मुझे देख भी रहे हैं सोच भी रहे हैं समझ भी रहे हैं तो डिफरेंट जगहों पे बिजलियां चमक रही हैं एक्चुअली ठीक है एक है फील इसको ज्यादा फील मत कीजिए क्योंकि ये इंग्लिश वाला फील नहीं है इसका मानी क्या है एलिफेंट <laughs> हाथी कैसे पता क्योंकि फील बहुत ही हम लोगों को हम है फील का मतलब है बच्चों हाथी फील का मतलब है एलिफेंट ठीक है ओके आप जितनी बिजनेस चमकाएंगे उतना फायदा होगा मिन लेटमी एक्सप्लेन आप जब किसी चीज को सोचते हैं ना तो आपका दिमाग ये देखिए डिफरेंट चीजें हैं मैं जल्दी में बताऊंगी साउंड होती है प्रोनाशियशन होती है स्पेलिंग होते हैं वो जो आप समझते हैं फील ठीक है feel, उसकी शेप कैसे है ठीक है उस लफ्स की अभी हम बात करें ठीक है उसके स्पेलिंग कैसे लिखा कैसे जाते हैं ये सब आपके जेहन में आना शुरू हो जाता है जब कोई लफ्स बोलेगा फील ठीक है प्रोनाउंसिएशन कैसे आवाज कैसे आती है फील ठीक है फिर इमोशंस कुछ जुड़े होते हैं ना हो सकता है कभी आप बचपन में मुझे तो याद है मैं एलिफेंट पे बैठी थी मेरे बाबा लेकर गए थे तो मुझे वो स्टोरी याद आ जाती है कि मैंने एलिफेंट देखा वो हमारे इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं रिलेट होता है ठीक है बच्चों शोर नहीं करना स्टोरी टाइम है आपके लिए ओके ठीक है फिर उसके बारे में कोई स्टोरी हमें याद आती है तो ये सब काम दिमाग में चमका रहे हैं ठीक है आगे क्या है फिर हमें शायद उस वर्ड से रेलिवेंट एक एलिफेंट की खास स्मेल होती है हर एनिमल की नहीं होती अगर उसकी रिहाइश के एरिया में जाए तो हमें वो सब चीजें आता ऐसा याद आनी शुरू हो जाती है ये कैसे होता है क्योंकि दिमाग एक्टिवली काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चीजें आ रही है ठीक है अब क्या होता है अगर आपको पूरा एलिफेंट दिखा दिया जाए यानी वो सुनने की वैल्यू अपनी जगह जब आपको चीज मतलब देखने की वैल्यू इतनी ज्यादा है हम कहते हैं ना बच्चों के सामने जो चीज वो देखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं बताने से जितना भी बताते रहो ऐसे ही है। तो यहाँ देखें आपको अगर दिखा दिया जाए तो आपके लिए और भी आसानी हो जाती है और चीज को पूरी चीजें एकदम से आपको समझ आ जाती है क्लियर सबको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट एलिफेंट नजर आ रहे हैं क्लियर नजर आ रहे हैं चले और अगर इससे भी आगे बढ़कर ये तो पिक्चर का फायदा था ना यू कैन सी ठीक है अगर फिल्म या आपको दिखा दी जाए, अपनी असल हालत में तो क्या होगा छोटा सा देख रहे हैं आप कैट ओके नजर आया जो ज्यादा एक्टिव था क्लास में है ना वो कैट भी मेरा ख्याल सुन रही है तो उनको गौर से देख रही है ठीक है तो ये आपको बताया जा रहा है कि हमारा दिमाग अंडर एस्टिमेट मत करें आप ये मत सोचे लो सिस्टर समिया ने कहा सुनिए भी देखिए भी ऐसे कैसे करें हम एक्चुअली ऐसा हर वक्त कर रहे होते हैं और सिस्टर्स तो एक वक्त में दस दस काम भी कर रही होती है यू नो सो आप आपके पास हमारे पास तो जहन मौजूद है अलहमद लेसन कम्प्लीट हुआ आज तक हमने तावुज सीखा है और सुरोतुल फातहा की पांच आयात सीखी है सब तराज सबक वाहि जमा आए हैं कामयाब इंसान की कितनी आदात सीखी है और इमेजिन भी किया है फील भी इनशाला आगे बढ़ते हैं ग्रामर में हमने अब जमा कैसे बनानी है ये स्लाइड आपको हेल्प करेगी चीजें रिवाइज करने में अगर आपको ये चीजें आती है समझो आपको लेसन आता है बहुत डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं चलिए जल्दी आप चीजें रिवाइज करते जाए इतनी सी चीजें ठीक है और आज हमने ये वाला के भी सीखा है यानी अटैच प्रोनाउन ठीक है मुस्कुराइए माशाल्लाह <laughs> ओके अल्हम्दुलिल्लाह के ये जरा बा आवाज बुलंद ऑनलाइन सिस्टर्स आप अपना माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे खुशी हुई कि हमारी आप हमारी तो क्लास में एक्टिवली मौजूद आप बताइए कह रहा था सबक हैं बारह हजार से ज्यादा बारह हजार एक ये है।, बड़ा हो जाएगा पढ़ना है ना हमारे लिए जी, जी। से पहले वाला ठीक है अच्छा जी तो हमने इनशाला कहाँ तक अगर इतने दो दिनों में इतना हो सकता है तो यहाँ तक हमने पहले कोर्स में यहाँ तक पहुंचना है पहुंचेंगे इन इन शाह ताजा और अपने होमवर्क याद रखिए अब से अगर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो फिर फायदा नहीं है सीखने का ठीक है ना तो आज से ही जब नमाज असर आप शुरू अदा करेंगे अभी तो जो पढ़ लिया वो आपको समझ आना चाहिए सूरत में ठीक है ना तिलावत जब हम करें पाँच मिनट मुसफ कुरान से पाँच मिनट हाफजे से और वो मकसद ये है कि वो अल्फाज जो समझ लिए उनमें से फाइंड आउट करें सिर्फ पांच मिनट का कहा जा रहा है लेकिन उसमें उसको छोड़ना नहीं है रेगुलर होना जरूरी है और पॉकेट बुक से पॉकेट बुक यही है आपकी ठीक है जो आपके पास कार्ड मौजूद है बुक से पढ़ना है आपने और इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा ग्रामर अपने साथी से कोर्स की बातें करें कभी कभी हम थोड़ा सा हो जाते है कि काम है या मैं थक गया हूँ जो आपके फ्रेंड में से पूछे एक दिन पहले आप जा रहे हो ना कल अगर वो आपको लगता है थोड़ा सा अः वो हो रहा है आपको लग रहा है शायद डिमोटिवेट हो रहा है थोड़ा सुस्त हो रहा है आप उसको हिम्मत देंगे नहीं नहीं यू ये आपका काम है अपने साथ अपने लोगों को तैयार करें याद कर तुमने भी आना है प्रेजेंट होना है कल आपने ऑफ आप क्यों किया ठीक है नमाज में इन सूरतों को पढ़िए सूरतों को समझिए आपको अल्लाह ने चूज किया है इस इंतखा को हमने नज़रअंदाज नहीं करना टीचर बनिए सबसे बड़ा फायदा हमें चाहिए क्योंकि हमें दी बेस्ट बनना है और जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपकी अपनी लर्निंग ज्यादा होती है जिस दिन आपने पहली क्लास पढ़ाई होगी ना आप कहेंगे आज तो हमने बहुत सीख लिया ठीक है इनशाला तब

पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने और फैलाने की तौफीक दे आमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका सुभानक अल्लाहुम्मा व सुभानल्लाह व बिहमदी सुभानक अल्लाहुम्मा अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका तो पारे मजलिस की दुआ है ये अल्लाह की तारीफ है और अगर कोई गलती को चाहिए हो तो हम अल्लाह से उसकी माफी मांगते हैं अल्लाह तुम सबसे राजी हो आ, कुछ पेरेंट्स के लिए दुआ का कहा गया था सबके जो भी पेरेंट्स हैं अल्लाह शिफाय ताकत फरमाए जो भी बीमार हैं और सेहतमंद रखे और उम्र दराज फरमाए और हम सबसे भी राजी हो हमारे वालदेन से बच्चों से और हमें अपने रस्ते में कबूल फरमाए इस्तेम फरमाए जाते हुए यही बात की अगले जुमे को इसी टाइम हमें सारे काम याद आएंगे क्योंकि शैतान को पता है कि किस टाइम क्लास होनी है हमने उसको जीतने ही देना और आप जिस तरह इस बार आए हैं आप अगली बार भी आएंगे अल्लाह ताला।, okay. ताला आपका आना सुनना सबको भूल फरमाएसम वहमत